Good morning, everybody. Good morning, sir. Now the last of the times we had said that we had done with all the amendments except a few, or wo jo amendments hain, jo few amendments ab bache hain, they are listed out here. You can see these are the six sections we have to discuss now. Amendments is an important portion for exam. एग्जाम में अच्छा खासा इसमें से पूछा जाता है. हमने पिछली बार में जितने भी अमेंडमेंट्स किए हैं, आई बिलीव कि वो अमेंडमेंट्स में देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी. और एक मेरा रिकमेंडेशन है डे वन पर कि जो भी अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस करते जाए उससे आप अपने मेन नोट्स को अपडेट करें, ताकि आपको बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने पड़े. तो ऐसा मैंने कहा था, यूज अ डिफरेंट मार्कर एंड आपके नोट्स में इस अमेंडमेंट शीट में पेज नंबर दिए थे और कहा था कि उस रेलेवेंट पेज पर जाकर, या तो अगर छोटा अमेंडमेंट है तो लिख लो वहीं पर, लिख लो एक लाइन में एंड मार्क इट दैट दिस अमेंडमेंट हैज कम फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 17, राइट देयर एफए 17, सो दैट इट इज समराइज्ड. और अगर कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो अनेक्सर्स में दिए गए थे, वो अमेंडमेंट को आप वहां अगर नहीं लिख पा रहे हो मेरे नोट्स में, तो बेटर इज यू एक्चुअली राइट देयर एफए 17 और उसका एफए 17 का आप अमेंडमेंट देख लेना, तो आपको रिवाइज सब्सटैंशियली 99% अमेंडमेंट्स आपके मेन नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे. ऐसा मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ताकि आपको रिविजन करना बहुत मुश्किल नहीं होगा. नहीं तो क्या होगा कि आपके ये नोट्स हैं, फिर उसके अलावा ये अमेंडमेंट की शीट है और आप कन्फ्यूज रहोगे कि नोट्स को कुछ सीखा है, अमेंडमेंट्स को कुछ सीखा है. तो माय डे वन रिकमेंडेशन वाज इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक योर एफर्ट और से 2 आवर्स. वो 2 घंटे की मेहनत कर लो तो आप कई दिनों की मेहनत बचा लो. आपके मेन नोट्स को आप अमेंड कर लेना, वहां पर मार्किंग्स कर लेना, मार्किंग्स कर लेना कि यहां पर अमेंडमेंट है. ऐसा मेरा रिकमेंडेशन था, ताकि आपको इजी रहेगा वो रिवाइज. अब खैर वो बात अपनी जगह है, मैं कह चुका था, कह रहा हूं एंड यू हैव टू डू इट, प्लीज डू इट, दैट इज माय रिक्वेस्ट. उसके अलावा अब ये जो 6 अमेंडमेंट्स बचे हैं, इसमें ये 2 तो छोड़, ये तो छोटे अमेंडमेंट्स, ये तो अपन फटाफट 5 मिनट में दोनों कर लेंगे. उसके अलावा जो 4 अमेंडमेंट्स बचे हैं वो थोड़े अपने को पढ़ रहे हैं. चारों अपने आप में प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स एंड आई पर्सनली फील दे रीडिफाइन थिंग्स और यू नो. पहले मैं बात करता हूँ छोटे ये 2 अमेंडमेंट्स की. एक है सेक्शन 244, बहुत ही क्विक अमेंडमेंट शीट के पेज नंबर 12 में देखो आप, बहुत ही क्विक ओल्ड लॉ एंड द न्यू लॉ. दिस इज द वे आई हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द अमेंडमेंट्स. मैं बताता रहा कि पहले ये था अब ये हुआ है, ऐसे ही मैंने सारे अमेंडमेंट्स को एड्रेस किया, ताकि आपको पुराना लॉ पता रहे, याद आ जाए कि वो क्या था और कंसोलिडेट हो जाए अमेंडमेंट्स. तो ये जो आखिरी के बचे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इसमें मैं आपको कहानी बताता हूँ ओल्ड लॉ क्या था और न्यू लॉ. एक एसएससी ने टीडीएस काटा 10,000 पर जमा कर दिया, एक गलती से ज्यादा जमा कर दिया. टीडीएस डिडक्टेड 10,000, डिपॉजिटेड 1,00,000, एक्सेसिवली डिपॉजिटेड. ये जो 90,000 उसने ज्यादा जमा कर दिया, ये इनफैक्ट उसको रिफंड मिल जाए. इसके लिए पहले एक इनफैक्ट मैकेनिज्म, लॉ में तो कोई प्रोविजन नहीं था, एक मैकेनिज्म था जिसके अंतर्गत ऑनलाइन लोग यूटिलिटी भरते थे, उसकी आई डोंट नो समबडी एल्स डज दैट, ऑनलाइन लोग उसकी साइट पे जाकर यूटिलिटी फिल करते थे और उसको करके आप रिक्वेस्ट करते थे कि सर मैंने टीडीएस काटा था 10,000 पर जमा कर दिया जाए. जब काटे 10,000 तो जमा 10,000 ही करना था, बट गलती से मैंने ज्यादा जमा कर दिया, तो जो ज्यादा जमा कर दिया है प्लीज सर वो मेरे को वापस दे दीजिए. ये पैसा उस व्यक्ति को रिफंड हो जाता था सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स.
आयकर विभाग वाले देखते थे कि उनका हित तो कहीं इफेक्ट नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि मान लो आपने टीडीएस सर्टिफिकेट कितने का इश्यू, टीडीएस सर्टिफिकेट अगर 10,000 का इश्यू किया तो 10,000 ही आपने जब मतलब सामने वाले को बेनिफिट दिया है, पर अगर आपने 1,00,000 इश्यू कर दिया तो फिर क्रेडिट भी तो आपको मतलब रिफंड का ही तो 1,00,000 रुपये सामने वाले को क्रेडिट मिल रहा है, सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स वो आपको रिफंड दे। इनफैक्ट इस रिफंड पे मेरा ब्याज मिलेगा, ये जो मैंने टीडीएस काटा 10,000 जमा कर दिया 1,00,000, ये 90,000 मेरे को रिफंड हो जाएगा, विल आई गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, दिस वाज अ क्वेश्चन। एंड लॉ में इसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं, एओ का कहना था एक तुमने टीडीएस काटा 10 जमा तुमने एक कर दिया, हम क्या करें, तुमने ज्यादा जमा कर दिया क्योंकि तुमने ज्यादा जमा कर दिया, एक तो हम तुमको पैसा वापिस दे रहे हैं, ऊपर से तुम ब्याज मांगना है उसके ऊपर नहीं देंगे। एओ डिनाइड द इंटरेस्ट and the matter went to Supreme Court, the judgment came out Tata Chemicals. आपके नोट्स में ये जजमेंट दिया है टाटा केमिकल्स, इन दैट जजमेंट ऑफ टाटा केमिकल्स सुप्रीम कोर्ट से असेसमेंट को ब्याज मिली है, अगर उसने टीडीएस ज्यादा जमा कर दिया तो उसको ब्याज मिली है। रिफंड पर जब ब्याज मिलता है, रिफंड मतलब इनकम टैक्स रिफंड पर जब ब्याज मिलता है, तो अगर टीडीएस ज्यादा जमा कर दिया तो टीडीएस रिफंड पर भी ब्याज मिलता है। टाटा केमिकल्स का जजमेंट सीबीडीटी ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा हम ब्याज देंगे, इस साल वो अमेंडमेंट भी ले आया लॉ में और उन्होंने भी लिख दिया कि ब्याज देंगे। तो ये सेक्शन सिर्फ एनेबलिंग सेक्शन है, क्लेरिफिकेटरी सेक्शन है, जो कहता है कि अगर टीडीएस का रिफंड होता है तो उस रिफंड पर ब्याज मिलेगा, जो कि पहले भी ऐसे था टाटा केमिकल्स के जजमेंट के हिसाब से, अब वो अमेंडमेंट के हिसाब से है। इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, रेट रहेगा 0.5% पर एनम, 0.5%। इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज किस रेट से मिलता है, 0.5%। टीडीएस रिफंड पर किस रेट से मिलेगा, 0.5%। ब्याज कब तक मिलेगा, जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता, टिल द डेट रिफंड इज ग्रांटेड। ब्याज कब से मिलेगा, तो दो तारीख, एक है या तो आपने अप्लाई किया तब से, और कई बार होता है कि कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो उसके इसमें आपको ब्याज मिलेगा जब अपील का ऑर्डर आएगा। इफ रिफंड अराइजेस आउट ऑफ अपील, अपील के कारण आया है रिफंड, तो ब्याज तब से मिलेगा जब से उसका इफेक्ट दिया गया है, एंड अदरवाइज अगर रिफंड आता है तो ब्याज मिलेगा जब आपने अप्लाई किया। हमको क्या पता आपने कितना काट के जमा कर, जब आप अप्लाई करोगे तब पता चला, तो अप्लाई किया तब से मिलेगा, तब से मिलेगा कब तक, जब तक रिफंड नहीं दिया। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया पर वो अपील के कारण आ रहा है, तो अपील का इफेक्ट जब से हुआ तब से, जब तक रिफंड मिला तब तक आपको ब्याज मिलेगा। दिस इज द सिंपल सेक्शन 244A डन। नहीं भी पढ़ते तो एग्जाम में शायद आप वही लिखते, अगर टाटा केमिकल्स नहीं, अगर टाटा केमिकल्स नहीं होता तो आप वही लिखते, पर अब उन्होंने और ऐसा कह दिया कि सेक्शन में लिख दो 244A डन। अब आगे अगला जजमेंट है 241A। ये जो सेक्शन है 241A, ये मैं आपको बता दूं सर, ये सेक्शन नया है, ऐसा कंसेप्ट ओल्ड प्रोविजन नहीं। जब मेरा रिटर्न प्रोसेस होता है ओल्ड लॉ, जब मेरा रिटर्न प्रोसेस होता है तो इसको प्रोसेस करते समय जो भी रिफंड बनता है वो रिफंड मेरे को दे दिया जाता है। मेरा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हुआ, मेरा रिफंड बनता है 10,000, तो 10,000 जो बनता है मेरे को दे दिया जाता है विदाउट एनी डिस्प्यूट। मेरा जो रिफंड बनता है मुझे दे दिया जाता है विदाउट एनी डिस्प्यूट, एंड एओ कैन नॉट विथहेल्ड माय रिफंड, एओ मेरे रिफंड को रोक नहीं सकता। इस साल उन्होंने एक सेक्शन दिया है 241A, उनको लगा कि हमको क्लियरली लगता है कि असेसी का केस गलत है, तो अभी उसको रिफंड दें, फिर थोड़े दिन बाद वापस जैसा मांगे कि भैया हमने रिफंड दे दिया पर गलत दे दिया तुम वापस दो, तो जब उनको प्राइमा फेसी लगता है कि आपका रिफंड टोटली बोगस है तो उसको दे दें। जब उनको लगता है कि आपका रिफंड टोटली बोगस है तो वाई दे शुड गिव इट एंड दे शुड टेक इट बैक, तो उन्होंने इस सेक्शन में लिखा है
AO has the power to withhold leave. कब? जब शायद उनको प्राइम ऑफ इसी लगता है कि अपने को रिफंड देने ही है, तो दे के फिर वापस क्यों मांगे, तो दे दो। तो इस सेक्शन में उन्होंने कहा है कि अगर रिफंड 143(1) के अंतर्गत बनता है, सोचना ऑफिस में प्रैक्टिकल है, अपन ने रिटर्न भरा, रिटर्न प्रोसेस उसके अंतर्गत लिखा है कि रिफंड बनता है, इवन इफ रिफंड बनता है तो वो नहीं दिया जाएगा अगर वो केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट कर लिया गया है। और इस केस में कोई ऐसा मुद्दा है जो लगता है विच विल एडवर्सली अफेक्ट दी रेवेन्यू, अगर रिफंड आज दे देंगे तो बाद में मांग लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, किसी ने अभी ये डीमोनेटाइजेशन के समय रिटर्न हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद रिटर्न हुआ और इसमें मांगा रिफंड, ये रिफंड उसने मांग लिया, रिफंड उसका बनता है, पर क्योंकि उसने डीमोनेटाइजेशन के समय 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए, ये पैसे क्योंकि बैंक में जमा किए थे, उनको लगता है कि आज हम इससे रिफंड दे भी दे देंगे तो 10 करोड़ तो 2 नंबर के होंगे, शायद बाद में तो हमारा टैक्स बन ही जाएगा। केस सिलेक्ट हो गया स्क्रूटनी में, एओ को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आगे जाके डिमांड अराइज हो, अगर आज रिफंड देगा तो एडवर्सली अफेक्ट दी डिपार्टमेंट। ये रीजन उन्होंने फाइल में लिख दिए, उन्होंने लिख दिया कि सर दिस इज अ केस, अ स्पेशल केस जहां पर ऑलरेडी असेसमेंट डिपॉजिटेड करोड़ इन द बैंक एंड इट इज प्राइमा फेसी एविडेंट दैट दिस इज हिज अनअकाउंटेड इनकम, वेन इट इज प्राइमा फेसी एविडेंट कि उसकी 2 नंबर की इनकम है तो हमने को रिफंड विथहेल्ड किया, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने अप्रूवल दिया कमीशन। दिस इज द सेक्शन विच इज एनेबलिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपका रिफंड बनता है तो भी उसको विथहेल्ड करें, पर इसका बैकग्राउंड समझना, उनको ऐसा लगता है कि आपका रिफंड बोगस है और वो बोगस है इसलिए वो रिफंड आपको विथहेल्ड करें, तो वो रिफंड दे देंगे तो इसमें एडवर्सली अफेक्ट है उनको लगता है, तो उसके रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड किए और बड़े हिसाब से अप्रूवल किए, ये करके वो रिफंड को विथहेल्ड करें। और सबसे खास बात, स्क्रूटनी चालू हो चुकी केस में, 143(2) है स्टार्टेड तो दे विल विथहेल्ड रिफंड, इफ ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड दे कैन विथहेल्ड रिफंड, अ न्यू सेक्शन एंड आई फील दिस सेक्शन इज फॉर 3 मंथ्स, I have said it today, I have said it earlier, amendments are very important, please note the amendments, please focus on it. तो ये एक amendment है, important है, और exam में amendments आते हैं, क्योंकि institute जानती है कि लोग amendments नहीं पढ़ पाते हैं, वो students जो repeat करते हैं खास तौर पर वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो पुराना तो पढ़ चुके हैं, amendment पढ़ना बड़ी difficulty रहती है, तो उसको फोकस करते हैं इंस्टीट्यूट एग्जाम में, और इसलिए इसको ध्यान आपको दे देना चाहिए, छोटा था मैंने बता दिया। अब इसके बाद यू आर लेफ्ट विद 4 सेक्शंस, 194(IB), चैप्टर 10A, 45(5A) और उसका टीडीएस सेक्शन 194(IC) एंड सम अमेंडमेंट्स इन दैट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट, बहुत टेक्निकल बातें हैं सारी, सब बड़ी हैं इसलिए अब हमने डेफिनेट, इन सब में से सबसे छोटी बात है 194(IB), इसको सबसे सिंपल और सबसे छोटी बात 194(IB), ये सेक्शन 194(IB) दिया है पेज नंबर 19, ये सेक्शन की फिलोसॉफी है टीडीएस ऑन रेंट, दी ओल्ड लॉ रेंट में जो टीडीएस करने की ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन 194(IB) में, और 194(IB) में डिडक्टर जिसको टीडीएस काटना है ही इज अ बिग असेसी, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। सबसे खास अब बात, इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना है, पर कब, जब उसका टर्नओवर टैक्स ऑडिट लिमिट से ज्यादा है, इन द प्रीसीडिंग ईयर उसका टर्नओवर टैक्स ऑडिट से ज्यादा है, तो वो असेसीज
जिनका ऑडिट होता है वो असेसीज, जिनका ऑडिट होता है वो लोग टीवीएस काटते हैं। इंडिविजुअल एक्चुअल को टीवीएस तभी काटना है जब उनका ऑडिट होता है। अब वो इंडिविजुअल एक्चुअल जिनका ऑडिट नहीं होता है उनको टीवीएस नहीं काटते। ये पुराने लॉ में था। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या था वो मैं आपको बता दूं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल मिसकंसेप्शन ये है कि जिस पे टीडीएस हो उसको एक नंबर में लिखना, क्योंकि अपने को कोई चॉइस ही नहीं है। जिस पे टीडीएस हो गया वो एक नंबर में लिखना नहीं है। अपने ट्वेंटी सिक्स में रिजल्ट हो ही रहा होगा उसको तो एक नंबर में लिखना है। पर जिस पे टीडीएस नहीं हुआ उसको ब्लैक में भी रख सकते हैं, नहीं भी दिखाओगे तो विभाग को शायद ना पता चले। अब क्या हुआ, विद टाइम प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते गए और भाव बढ़ते गए तो किराए भी बढ़ते। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी मॉल में कोई शॉप किराया, महीने का किराया 1,00,000 रुपये, रीजनेबल एक शॉप है, 1,00,000 रुपए किराया देता है वो महीने का और वो शॉप किराया। वो व्यक्ति का साल का टर्नओवर है 40,00,000 का वो टर्नओवर करता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तगड़ा मार्जिन लगता है वो 40,00,000 के टर्नओवर पर 50% प्रॉफिट मार्जिन है उसका, 20,00,000 रुपए उसका प्रॉफिट होता है, 20,00,000 रुपए प्रॉफिट और 12,00,000 रुपए किराया, 1,00,000 रुपए महीने किराया, 12,00,000 रुपए किराया, वो भी डेबिट कर। उसके बाद वो तगड़ा प्रॉफिट कमा है, किराएदार है वो किराया दे रहा है मॉल और वो किराया दे रहा है महीने का 1,00,000, पर ये किराएदार का ऑडिट ही नहीं होता है। किराएदार का टर्नओवर है 40,00,000 और उसका ऑडिट नहीं होता है। ट्रांजेक्शन से मैं किराएदार, मैंने शॉप किराए को ली, मैं दे रहा हूँ रेंट टू द लैंडलॉर्ड। व्हेन आई एम गिविंग द रेंट टू द लैंडलॉर्ड, इफ आई एम एन ऑडिट असेसी आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस, बट आई एम नॉट एन ऑडिट असेसी, मैं छोटा किराएदार हूँ, छोटा मतलब ऑडिट नहीं होता है, भले ही ऑडिट नहीं होता है पर मैं जो किराया दे रहा हूँ वो हेफ्टी अमाउंट है, 1,00,000 रुपये महीना है। अब मकान मालिक वो मॉल उनको 1,00,000 रुपये का मेरे से किराया है, ये किराए पर टीडीएस नहीं होता है, तो उनने सोचा कि अगर ये नहीं बताओ तो क्या पता चले। एक मॉल में 40 दुकानों से किराया है, उसमें से कुछ दुकान वाले टीडीएस ले रहे, जिस पे टीडीएस होता है मॉल वाले लोग तो दिखा रहे हैं और जिस पे टीडीएस नहीं होता उसमें से एक आध दिखा कर बस ऐसे ही बाकी मत दिखा, उनको क्या पता चलेगा जिस पे टीडीएस नहीं होता। गवर्नमेंट को लगा ये तो बहुत बड़ा लैकुना है, किराया इतना हैवी मिल रहा है आपको फिर भी उस पे टीडीएस नहीं होता, टीडीएस होना चाहिए। किसी ने मान लो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर, एग्जाम्पल सेकेंड, एक बड़ी कंपनी का मैनेजर, He is posted at some place. उसकी पोस्टिंग हुई ना हाई प्रोफाइल सिटी से बैंगलोर, बैंगलोर में उसकी पोस्टिंग हुई, कंपनी ने उसको एक पॉश बंगलो किराए पर लिया, वो बैंगलोर में रहने लगे, उसको 10 करोड़ का बंगला उसको लेके किराया, जिसका महीने का किराया 5,00,000 रुपये, कंपनी ने 10 करोड़ का बंगला किराए पर लिया, मकान मालिक को 5,00,000 रुपये दे, ये 5,00,000 रुपये पे मान लेते हैं अपन कि कंपनी जो है उसका किराया वो ही दे देता है और वो कंपनी से रिवर्स, तो किराया दे रहा है वो 10, कंपनी का एक मैनेजर से सीईओ, वो सीईओ किराया देता है कंपनी से रिवर्स, महीने का 5,00,000 रुपये किराया दे रहा है, बट ही इज नॉट एन ऑडिटर, वो तो सैलरी है, सैलरीड एम्प्लॉय है, 5,00,000 रुपये महीने का किराया देता है और वो व्यक्ति जो किराया देता है टीडीएस नहीं करता है बिकॉज ही इज नॉट कवर्ड बाय ऑडिट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाज बिकॉज ही इज नॉट कवर्ड बाय ऑडिट वो टीडीएस नहीं करता। वो बंगला जिनका है सेठ जी, बड़े सेठ जी, वो सेठ जी जो 10 करोड़ रुपए का मकान है जिनके पास, महीने का 5,00,000 का किराया है, उनका टीडीएस नहीं होता है। टीडीएस नहीं होता है मतलब उन्होंने सोचा एक मामले में मत दिखाओ, इसको कौन पता चलेगा कि कितना किराया मिल रहा है कि नहीं, हमने तो कह दिया साहब वो तो बंगला खाली पड़ा है, कोई किराएदार ही नहीं, हाउ इनकम टैक्स पीपल विल नो अबाउट इट। गवर्नमेंट को लगा ये बड़ा लैकुना है और इसमें हमको टीडीएस अप्लाई करना चाहिए, तो दे हैव गिवन अ न्यू टीडीएस सेक्शन एंड दिस न्यू टीडीएस सेक्शन इज
to supplement the TDS on RAM. इसका नाम है 194IV. 194 में हुई थी डिडक्टर, याद करना, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में डिडक्टर इज एन ऑडिट एक्सेस. जिसका टैक्स ऑडिट होता है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है. 194IV, हु इज द डिडक्टर? इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट कवर्ड बाय 194I. मतलब जिसका ऑडिट नहीं होता, सैलरी डेट मॉल में जिसने दुकान किराए के लिए, किराएदार का ऑडिट नहीं होता, वो है यहां पर डिडक्टर. डिडक्टी कौन? रेसिडेंट. किराएदार ने दुकान या घर किराए पर लिया और दुकानदार दे रहा है मालिक को रेंट. मालिक इज अ रेसिडेंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ पेमेंट? 194I याद करना, मैं बता दूं. 194I में जो रेंट होता है वो रेंट है बिल्डिंग का रेंट, लैंड का रेंट, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्स्चर इक्विपमेंट्स, सारे टेंजिबल एसेट्स का रेंट. पर 194IV में जो कवर्ड है वो है बिल्डिंग का रेंट या लैंड का रेंट या बिल्डिंग प्लस लैंड. अगर किसी ने कार किराए पे ली है तो उसमें टीडीएस नहीं होगा. यहाँ पे प्लांट कवर्ड नहीं है, मशीनरी कवर्ड नहीं है, यहाँ पे इक्विपमेंट कवर्ड नहीं. किसी ने फर्नीचर किराए पे लिया तो उसका टीडीएस नहीं होगा. यहाँ पे वो दो ही एग्जाम्पल फिट बैठेंगे. दुकानदार ने मॉल में दुकान किराए पे या किसी ने घर किराए, बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग प्लस लैंड किराए, ये जो किराए पे लिया गया है इसमें टीडीएस किस रेट से? 194I में टीडीएस होता है 10%. इस सेक्शन में टीडीएस होगा केवल 5%. रेट ऑफ टीडीएस 5%, सब्जेक्ट टू 206AA है. सामने वाला प्लान भी दे तो 20% काट देना और रेट फ्लैट, नो सरचार्ज विल बी एड. टीडीएस कब कटेगा? मेरे ख्याल से यही सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है इस सेक्शन. 194 आई में टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच इज अ डीलर. साल में अपन कितनी बार किराया देते हैं? मान लो मंथली रेंट है तो 12 बार देते हैं, तो अपने को 12 बार टीडीएस कटना है. 194 आई में कितनी बार टीडीएस कटेगा? 12 बार हर महीने. हर महीने का पेमेंट और क्रेडिट विच इज अ डीलर. मान लो क्वार्टरली किराया देते हैं, जो होता नहीं है, रेंट ही होता है, तो क्वार्टरली कटना है. मान लो वीकली देते हैं, पेमेंट और क्रेडिट विच इज अ डीलर. अब इस सेक्शन में किराएदार कौन है? किराएदार एक्चुअली एक छोटा सेक्शन जिसका ऑडिट नहीं होता आईवी. उसको अगर हम कहते हैं हर महीने टीडीएस काट, तो उसको बहुत मगज मारेगी. उसको हर महीने टीडीएस काटना है, काट के जमा करना है, टीडीएस सर्टिफिकेट, क्वार्टरली स्टेटमेंट. वो बेचारा किराए के मकान में रह नहीं पाएगा कि नहीं, वहां पर सांस लेने में उसको घुटन हो रही है मकान में, क्योंकि उसको टीडीएस रिटर्न भरने जाना है. आज महीने का 1 दिन 300 रुपया टीडीएस भरना है, महीने का 1 दिन 300 रुपया चालान भरना है. वो व्यापारी बड़ा तो है नहीं, वो कोई ऑडिट में आता नहीं, वो ये सब मगजमारी नहीं कर सकते. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप हर महीने टीडीएस काटो, यही सबसे बड़ी बात. उसको टीडीएस काटना है एनुअली. साल में एक बार टीडीएस काटना है. ये कैसे होगा ये सब? साल में जो आखिरी महीना है मार्च, मार्च का रेंट का पेमेंट और क्रेडिट विचेबल है, उस समय साल भर का किराया तो टीडीएस है. एग्जाम्पल से कोई किराएदार है, उसका मंथली रेंट है 60,000. कोई किराएदार है, मंथली रेंट है 60,000. साल का रेंट कितना हुआ? 7,20,000. अब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ये कहता है कि जब वो मार्च का रेंट पेमेंट या क्रेडिट है, मार्च के रेंट के समय वो क्या करे? 7,20,000 का 5% काटे. तो मार्च का रेंट 60,000, 60,000 देते समय वो 7,20,000 का 5% काटे. अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स, विच इज वेरी सिंपल. मार्च के रेंट के समय वो
7,20,000 का 5% काट लेगा, 36,000 और बचा हुआ किराया मकान में तो दे देगा। साल भर कंप्लायंस नहीं करना है, साल में सिर्फ एक बार कंप्लायंस, मार्च में पेमेंट या क्रेडिट अच्छा मार्च में मकान ही खाली कर दो, क्योंकि लॉ क्या कहता है, मार्च के रेंट पे टीडीएस काटना है, फरवरी में मकान खाली कर दो, टीडीएस की मगजमारी खत्म। हर साल फरवरी में मकान खाली कर देना चाहिए, एक आध महीने सड़क पे ही रह लेंगे अपन, मार्च में तो काटना ही है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, चिंता मत करो। उन्होंने कहा है कि अगर आप मकान पहले ही खाली कर दो, मान लो किसी ने दिसंबर में मकान खाली कर दो, तो दिसंबर लास्ट मंथ का रेंट पे करते समय टीडीएस आपको मार्च के रेंट पे टीडीएस काटना है। एंड से इफ यू वेटेड द हाउस अर्ली, दिसंबर में मकान खाली कर दिया, तो आपको दिसंबर के समय टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो दिसंबर का रेंट, आखिरी महीने का रेंट, उसका पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के समय आपको टीडीएस काटना है। तो उनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैं उसको पढ़ रहा हूं, क्रेडिट ऑफ द रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, और लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब मार्च, और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, पहले ही मकान खाली कर दिया तो वो, और एवरी टाइम ऑफ पेमेंट, क्रेडिट और पेमेंट पीछे रिजल्ट है, और क्रेडिट और पेमेंट मंथली नहीं देखेंगे, एनुअली देखेंगे। मतलब अगर ये बात समझ में आ गई तो चीज सिंपल, पेमेंट और क्रेडिट विल नॉट बी सीन मंथली, इट विल बी सीन एनुअली, साल में एक बार कंप्लायंस आपको करना है। इस सेक्शन में एक एग्जम्पशन, मान लो कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, महीने का किराया देते हैं, तो उनको किराए का टीडीएस ना करते हैं, करना थोड़ी है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें एक लिमिट दी है 50,000। अगर मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं, छोटे मोटे किराए में टीडीएस नहीं, बड़ा है अगर किराया तो टीडीएस। अगर मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तभी टीडीएस होगा, दैट इज इट, दैट इज अ स्मॉल थिंग। एक चीज और है इसमें, जिसको टीडीएस काटना है वो रेगुलर असेसी नहीं है, तो उसको टैन नहीं लेना, अगर उसके पास टैन नहीं है तो भी वो टीडीएस से कंप्लायंस कर सकता है। ऐसे दो सेक्शन है पूरे टीडीएस में। अब लेट अस कंसोलिडेट 194IA एंड 194IB। Somebody remembers what is 194IA? TDS on immovable property, purchase of immovable property. तो purchase of immovable property अगर कोई करता है, जो 50,00,000 से ऊपर का purchase of immovable property के केस में TDS होता है 194IA। He is got a regular assessing, जिसको TDS करना है। मान लो मैंने मकान खरीदा तो मेरे को TDS करना है अगर 50,00,000 से ऊपर का, और अगर मैंने मकान किराए पे लिया और 50,000 से ऊपर का किराया है तो टीडीएस है। कोरिलेशन ड्रॉ करो, कोरिलेशन ड्रॉ करोगे लॉ इजी लगेगा। आईए में मकान खरीदने पे रेंट टीडीएस है, आईबी में मकान किराए पे लेने पे टीडीएस। आईए की लिमिट है 50,00,000 से ऊपर का मकान, आईबी की लिमिट है 50,000 से ऊपर का किराया। आईए में टीडीएस का रेट है 1%, आईबी में टीडीएस का रेट है 5%। दैट इज द डिफरेंस इन दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन में टीडीएस आपको काटना है, और इवन आपके पास तो नंबर नहीं है टैन तो भी चलेगा दोनों सेक्शन। एक आखिरी बात इस सेक्शन में और दी गई है, वो भी समझा देता हूं, एंड दैट विल क्लोज इन दिस सेक्शन। फाइनली चार में से एक बड़ा सेक्शन खत्म। व्हाट हैपेंड इज, समझना कि मेरे को टीडीएस काटना है, मेरा मंथली रेंट है 7,000, साल का रेंट है 7,20,000। जब मैं मार्च का टीडीएस, मार्च का रेंट या पेमेंट या क्रेडिट कर रहा हूं 7,000, तो मेरे को टीडीएस काटना है 7,20,000 का 5%, 36,000। पर अगर सामने वाले ने मुझे टाइम नहीं दिया तो मेरे को टीडीएस काटना है गिवन रेट और 20% पीछे मेरे, तो मेरे को मार्च के रेंट
60,000 में से काटना है, 7,20,000 का 20%, 1,44,000। क्वेश्चन सिंपल है, 60,000 में से 1,44,000 कैसे काटना? 60,000 का मार्च का रेंट है एंड आई हैव टू डिडक्ट 144, 20% ऑफ द एनुअल रेंट। हाउ डू आई डू इट? मैं मार्च में चले गया मकान खरीदते हैं और मैंने कहा साहब इस महीने का किराया देने आया हूं, देने आया हूं, आप एक काम करो निकालो 84,000 किराया देने आया हूं, पर आप तो मेरे को 84,000 क्योंकि आप पेन नहीं देते हो, आप गंदे मकान मालिक हो, मेरे को 85,000 आप दो, ऐसा मैंने कह दिया। हाउ ही इट विल हैपन? मकान मालिक बुरा मान जाएगा, मकान से निकाल। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका टीडीएस का अमाउंट उस महीने के रेंट से ज्यादा है तो आप टीडीएस रेंट पे ही कर रहे हो, तो अगर आपको 60,000 में से 144 काटने हैं पर अगर आप 60,000 ही काट लोगे तो बहुत है, दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन। ये तो लिखा हुआ है वेयर द टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 206 वाले, सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ। 60,000 का लास्ट मंथ का रेंट, उससे ज्यादा टीडीएस नहीं होना चाहिए। बात हो जाती है, खत्म हो जाती है, दिस सेक्शन इज डन। अब अगला सेक्शन में बताता हूं, इसको समझना। ये जो सेक्शन है अगला सेक्शन, दिस सेक्शन इज आई टेक दिस सेक्शन फर्स्ट, इज सेक्शन 45Y और इसका टीडीएस होता है 194। अ न्यू सेक्शन इज गिवन 194 आईसीआई, लेट मी टेक इट 194 जे, 194 आईसी, यस आईसी। यह है 45 जो नोट्स में दिया है वो दिया है आपके नोट्स में ऑन द रेलेवेंट पेज, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 में दिया है टैक्सेशन ऑफ डेवलपमेंट एवेन्यूज 45(5) और उसका टीडीएस का सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है पेज नंबर 11। थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दी, ओल्ड लॉ वर्सेस दी न्यू। ओल्ड लॉ के लिए हमको एक बिजनेस का ट्रांजेक्शन समझना पड़ेगा और वो ट्रांजेक्शन को कहा जाता है डेवलपमेंट। इसका एक और नाम है रेशो डील। बहुत रेगुलरली ये होता है रियल लाइफ, अब तो कम हो गए क्योंकि बिल्डर की इंडस्ट्री खत्म हो गई, मतलब इन ऑल फेयरनेस आई शुड से कि बिल्डर्स की हालत खराब है इसलिए अब इस तरह के एग्रीमेंट कम हो, पर एक समय था जब अपने देश में ये बहुत ज्यादा रेशो डील्स और डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हुए। इस कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट का फिलोसॉफी ये बिजनेस को समझो और फिर आप इसका टैक्सेशन समझोगे, बिजनेस को समझो। एक व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं लैंड ओनर, इस व्यक्ति ने आज से कुछ साल पहले 10-20-50 साल पहले एक जमीन खरीदी और ये कौड़ियों के दाम पे सस्ते में ये जमीन खरीदी गई है। इन्होंने इनके पिताजी ने इनके दादा ने 10,000 रुपए में उस जमाने की ये जमीन खरीदी। ये व्यक्ति बेचारे अपना जॉब करते हैं, अपना जो भी इनकी एक्टिविटी है किराने की दुकान है वो चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, व्हाटएवर। ये व्यक्ति को आज पता चला कि प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए और इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हर साल एक जीरो लगता जा रहा है। तो पहले ये जमीन 10,000 की थी, समय के साथ ये 1,00,000 की हो गई, अगले साल इसका भाव 10,00,000, अगले साल इसका भाव 1,00,000 हो गया, 10,00,000। अब इनको लगता है मेरे पास ये जीवन की असली कमाई किराने की दुकान से नहीं है, पैसिवली मेरी कमाई है जमीन के भाव में। मैंने किराने की दुकान में कमाया क्या? अपनी रोजी रोटी निकलती थी, रियल कमाई मैंने कमाई है ये जमीन के भाव में। जमीन के भाव तो बढ़ गए पर इस जमीन का क्या करें?
इस जमीन को वन शॉट बेचने जाऊंगा तो वो शायद सस्ते में खरीदने की बात है, क्यों ना इस जमीन पे मैं एक कॉलोनी बनाऊं, रो हाउस कॉलोनी। जमीन बहुत बड़ी है, कई एकड़ों में है, ये जमीन अगर मैं बेचने जाऊंगा उनसे तो मैं इसको अच्छे से नहीं बेचूंगा। अनडेवलप्ड लैंड सस्ते में बिकता है, इसको मैं डेवलप कर, डेवलप करने का मतलब इससे कॉलोनी बना, इसके ऊपर रो हाउस बना, इसके ऊपर अपार्टमेंट बना, इसके ऊपर एक मंदिर बना लूंगा, गार्डन बना लूंगा, से मॉल बना लूंगा, दुकानें बना लूंगा, बहुत भाव बढ़ जाएंगे। इस एक क्लोज डोर कॉलोनी बना ली जाए जैसे शहरों में होती है, रो हाउस कॉलोनी। अब इस व्यक्ति के पास न तो एक्सपीरियंस कॉलोनी बनाने का, न एक्सपर्टाइज है, न इसके पास इक्विपमेंट है। वहां पे कॉलोनी बनाने को गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको, वहां पे पिलर्स बनाने पड़ेंगे, आपके पास लेबर भी नहीं, आप कैसे करोगे? तो ये संपर्क है तो बिल्डर कल तक रहे जा, ये संपर्क है ओमे सिटी सहारा सिटी और इन्होंने टाइप ले किया पार्टनरशिप में, हम जमीन ले ली, कंस्ट्रक्शन आप करो, इसके ऊपर आप बनाओ, और देयर इज अ लैंड ओनर एंड देयर इज अ बिल्डर। इस एग्रीमेंट के अंदर इसको कहते हैं लैंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ये देखो प्रोविजन क्या है, टैक्सेशन ऑफ डेवलपमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर मैं अपनी जमीन ले रहा हूं, आप अपने रिसोर्सेज को और हमें कॉलोनी, मतलब मैं तो अपनी जमीन ले रहा हूं और मैं सोचूंगा, आई एम स्लीपिंग पार्टनर इन दिस, मैं सोचूंगा जमीन, उसके बाद आप इसके ऊपर लगाओ, नक्शा पास कराओ। आपको पता है नक्शा कैसे बनता है, यू आर द बिल्डर, नक्शे में क्या रिक्वायरमेंट है नगर निगम की, नगर निगम में पहचान है आपकी, रोज जाते हो, नक्शा पास करा लो, यार मैं नहीं करा पाऊंगा, वहां जाके नक्शा पास कराओ, लेबर लगाओ, सीमेंट लगाओ, ईंट लगाओ, मकान बनाओ, एटलीस्ट सड़कें बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लो, वाटर कनेक्शन लो, मेकर रो हाउस, उसमें हो सकता है मकान बनाओ, हो सकता है प्लॉट बेचेंगे। इस पूरी कॉलोनी में 150 टोटल प्लॉट्स बने हैं, 150 डेवलप्ड हाउसेस बने हैं, प्लॉट्स या मकान डेवलप्ड प्रॉपर्टी 150 बने हैं। अब ये जो बने हैं इसमें आपने भी रिसोर्स लगाए, मैंने भी रिसोर्स लगाए, तो अपन इसको एक रेशियो में बांटें, डेवलप्ड मैंने अपनी जमीन ली, उसके बदले आपने अपने पैसे लगाए, कंस्ट्रक्शन किया, डेवलपमेंट किया, नक्शा पास कराया। अब जो डेवलप्ड प्रॉपर्टी है 150 मकान बने उसमें हम बांटेंगे, लैंड ओनर ने कहा तुमने लगाया क्या 1 करोड़ के 2 करोड़ के मकान बनाए, मेरा 10 करोड़ का लैंड है तो मैं इसमें ज्यादा हिस्सा, 90% मेरा 10% आप बिल्डर ने पैसा थोड़ी मिलता है, मैंने रिसोर्स लगाया, तो इनमें नेगोशिएशन होता है। अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में इस रेशियो इज सेटल्ड डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, कहीं लैंड की वैल्यू ज्यादा है तो लैंड ओनर ज्यादा रखता है, कहीं लैंड की वैल्यू कम है तो बिल्डर ज्यादा रखता है, तो ये तो दोनों का आपसी सहमत नहीं है और इस रेशो में वो मकान को बांटते हैं। ये रेशो दी हुई थी 2013 एग्जाम्पल से, रेशो दी हुई थी 2013 में, बिल्डर ने इसके ऊपर 3-4 साल का कंस्ट्रक्शन किया और इसमें मकान बन रहे 2013 में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत लैंड ओनर ने अपना लैंड बिल्डर को दे दिया, 2017 में बिल्डर ने इसके ऊपर सारे मकान बना लिए और बना के पोजेशन दे दिया लैंड ओनर, लैंड ओनर को पोजेशन, और फिर लैंड ओनर ने जो उसका शेयर है 150 में से 100 मकान लैंड ओनर को मिल गए, ये 100 मकान उसने बेचना शुरू किया 2017 के बाद जो मकान मिल गए 2018 में 10 बेचे, 2019 में 5 बेचे, ऐसे बेचे। अब पूरी बात समझना जो कि सबसे बड़ी एक अभी अमेंडमेंट की बात नहीं, अभी पहले प्रोमिनेंट बात ये थी नंबर वन कि लैंड ओनर को टैक्स कब लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, लैंड ओनर के पास लैंड है विच इज अ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन टैक्स लगता है व्हेन दिस एसेट इज ट्रांसफर, सो इन व्हिच ईयर की ट्रांसफर है 2013 या 17, 2013 में मैंने बिल्डर को पोजेशन दिया कि साहब इसके ऊपर मकान बनाए और 2017 में उसने मकान बना के मेरे को दे दिए, तब लैंड में मेरे राइट खत्म हो गए,
मैंने उसको कंसीडरेशन में लिया लैंड उसका हिस्सा, और मैंने अपना कंसीडरेशन रख लिया अपना हिस्सा, उसके बदले मेरे को मकान मिल गया। तो ट्रांसफर कब हुआ? 2013 में या 17 में। ये बहुत बड़ा एक लिटिगेशन है, कम से कम 200 केसेस में ये लिटिगेशन चला होगा। और इस लिटिगेशन का एक लैंडमार्क बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, चतुर्भुज द्वारका द्वास। मत लिखना, नाम इम्पोर्टेंट है पर मत लिखना, रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट है। चतुर्भुज द्वारका दास ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि अगर 2013 में जब लैंड ओनर ने बिल्डर को पजेशन दिया, तो ये जो पजेशन दिया उस समय अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो, हमको एग्रीमेंट पढ़ना होगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर 2013 में लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बिल्डर, तो 2013 में ही टैक्स लग जाए। पर अगर 2013 में लैंड ओनर ने सिर्फ पजेशन दिया था बिल्डर, और एग्रीमेंट में यह था कि क्योंकि आपको इससे मकान बनाने हैं, मैं आपको इसका पजेशन, मालिक तो लैंड ओनर ही, मालिक मैं ही हूं, आपको सिर्फ पजेशन देता हूं, और आपके जब मकान बन जाएंगे तब मैं आपको आपका हिस्सा ट्रांसफर कर दूंगा। अगर 2013 में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, और वो हुआ है 2017 में, तो इस केस में टैक्स लगेगा 17। क्रक्स ऑफ द मैटर इज ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन हमने बिल्डर को पजेशन दिया उस दिन, या जिस दिन फाइनली उसने मकान बनाया है उस दिन, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है जिस दिन पजेशन दिया उस दिन टैक्स लगेगा, नहीं तो 17 में लगेगा। कैपिटल गेन तो लगता है जब ट्रांसफर है, तो क्वेश्चन इज व्हेन ट्रांसफर है सेकंड प्लेस, दैट इज द क्वेश्चन। उसको उन्होंने बोला कि अगर 2013 में लैंड ओनर ने बिल्डिंग को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर, इस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा हुआ है आज से इस लैंड का मालिकाना बिल्डर, लैंड ओनर के सारे राइट्स खत्म, लैंड ओनर के नाम इससे कोई राइट नहीं, इस जमीन पर अगर कोई नुकसान हुआ तो बिल्डर, अगर यहाँ पे कोई लेबर से चला हुआ तो बिल्डर, कंस्ट्रक्शन में कोई लेबर मर गया तो बिल्डर के जिम्मे, सारे राइट्स बिल्डर, नक्शा पास बिल्डर का, पैसा बिल्डर लगा, सब कुछ बिल्डर, मैंने अपना मालिक लाया, उसको कहते जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और अगर मैंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मींस जहां पर मैंने सिर्फ पजेशन, मैंने कहा लैंड मेरा है, आपको सिर्फ राइट दे, सिर्फ राइट, उसके ऊपर आप मकान, आप अपने रिसोर्सेस, बट ओनरशिप ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू लैंड ओनर, अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ 99% स्पेशल पावर है कि भाई बाद में बिल्डर ने नहीं दिए मकान को, तो लैंड ओनर प्रैक्टिकल लाइफ में यही करता है कि आज स्पेशल पावर है, मैं आपको पजेशन देता हूँ, आप जब मकान बना लोगे तब आपका हिस्सा आप रख लेना, उसकी जमीन भी आप रख लेना, मेरा हिस्सा मैं रख लूंगा, उसकी जमीन भी मेरी, तो लैंड ओनर प्रैक्टिकल लाइफ में डज नॉट मीन कि ओनरशिप, बट से अगर उसने ओनरशिप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तो टैक्स 13 में, और अगर उसने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी तो टैक्स 17 में। एक तो ये इशू विच वॉज सेटल्ड बाय चतुर्भुज द्वारका दास, और एक दूसरा आस्पेक्ट भी था, दूसरा आस्पेक्ट वो भी सीखो, दूसरा आस्पेक्ट ये था कि जब ऐसे लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, उन लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के अंदर टैक्स इज वैल्यूएबल, लैंड ओनर, लैंड ओनर के पास लैंड है जिसकी कॉस्ट 10, कॉस्ट तो पता है, लैंड ओनर ने इस कॉस्ट को इंडेक्स भी कर लिया था, जब से खरीदा था जब तक ट्रांसफर हुआ तब तक इंडेक्स भी कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम कंसीडरेशन, यहां पे लैंड ओनर ने लैंड दिया और डेवलप्ड प्रॉपर्टी में उसको 100 मकान दिए, 150 में से 100 मकान दे, तो 100 मकान उसको मिले, ही इज नॉट गेटिंग मनी, ही इज गेटिंग कंसीडरेशन इन काइंड। सब मैं अपनी जमीन दे रहा हूं, से 100 एकड़ जमीन है मेरे पास वो दे रहा हूं, वो जो 100 एकड़ जमीन है उसको आप डेवलप करोगे, कॉलोनी बनाओगे, लैंड उससे सड़कें बनाओगे, उससे ब्रिज बनाओगे, उससे मंदिर बनाओगे, उससे स्कूल बनाओगे, उससे मॉल बनाओगे, और ऐसे 150 बनाओगे, इस 150 में से डीमार्केट करके रख लिए,
कि ये 150 में से ये वाले 100 मकान मेरे होंगे सर, ये वाला मकान मेरा, ये वाला मकान मेरा। अब मेरे को 10,000 की लैंड मिलेगी जो मेरी कॉस्ट में 10,000, आज उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी मेरी कॉस्ट 10,000 और मेरे को उसके बदले में मकान, ये मकान मेरे को मिले तो मेरा सेल कंसीडरेशन कैसे दे? Somebody said सेल कंसीडरेशन मिली टाइप है, मिली टाइप है कहीं जो मकान के लिए उस पर ऐसा कहाँ लिखा है? Somebody said तेरे सेल कंसीडरेशन मिली मिली फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, मेरा लैंड की मार्केट वैल्यू ले लो, जितनी लैंड की मार्केट वैल्यू मैं बिल्डर को दी वो मेरा सेल कंसीडरेशन ये ले लो। Somebody said कि लैंड की इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट मिली मिली सेल कंसीडरेशन, तो इंडेक्स कॉस्ट कॉस्ट है और इंडेक्स कॉस्ट ही सेल कंसीडरेशन है, मेरे को कैपिटल गेन नहीं मिलना चाहिए। तो ये कहां लिखा है कि सेल कंसीडरेशन कैसे है? इस पूरी चीज को देश भर में इंटीग्रेट करना चालू कर दिया लोगों, हर शहर में कम से कम 100-150 ऐसी वो हाउसिंग कॉलोनी बनी और बड़े शहरों में मुंबई में वहां पर बने हुए मकान को और कॉलोनी बनी, बना हुआ मेरी बिल्डिंग है, मैं बिल्डर हूं, मैंने एक बिल्डिंग बनाई थी, इस बिल्डिंग में मैंने 3 फ्लोर की बिल्डिंग, 3 फ्लोर। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में मेरे को राइट है कि मैं इसके ऊपर 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता। एक शब्द पहले मैं कभी यूज कर चुका हूं, FAR, मेरे को फ्लोर एरिया रेशियो जो परमिटेड है उसके हिसाब से मैं 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता। मैं बिल्डर हूं, छोटा बिल्डर, आज से 40 साल पहले हमने 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई थी, वो भी नहीं मिली थी। अब अपना मिड मुंबई में मकान है, कोर एरिया में अंधेरी में मकान है, साउथ मुंबई में मकान है और ये बिल्डिंग में अपन ने 3 फ्लोर बनाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रहेजा से टाइल या कोई भी बिल्डर से टाइल, मैं अपनी छत बेच देता हूँ, जमीन तो नहीं बेच सकता, मेरी छत बेच देता हूँ। ये बिल्डिंग है मेरी, इसकी छत का 17 फ्लोर होगा, इसको कहते हैं टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट है। आई एम दी बिल्डर, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसकी छत, इस छत के ऊपर मैं और डेवलपमेंट कर सकता, और डेवलपमेंट कर सकता था पर मेरे ताकत नहीं कर रही, पैसे नहीं मेरे पास, टाइम नहीं, तो मैंने क्या किया, डेवलपमेंट के लिए ये छत पर आप 17 फ्लोर बनाओ और बनवा के लिए पार्टनरशिप आप बनाओ इसके ऊपर 17 फ्लोर जिसमें 1 फ्लोर में 3 मकान बनाना, 51 मकान में चलेंगे, 51 में से 40 में ले लूंगा, बाकी आप कमा लेंगे, वो बेच के आप कमा लेना, मैं कमा लूंगा, ये होता है। इस तरह के अलग अलग तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं विच आर डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, यू डू अ रेशियो। अब इन डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में टैक्सेशन कैसे होगा उसके लिए एकमात्र सेक्शन आ गया है, दिस सेक्शन 45A एंड इट्स अ सिंपल सेक्शन इन माय अंडरस्टैंडिंग, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जब आप देखोगे पेज नंबर 14 ऑफ योर नोट्स व्हिच इज दैट समरी ऑफ द डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, दे हैव गिवन दिस, क्या लिखा है देखो मैं बताता हूं, दिस सेक्शन ओवरराइड्स सेक्शन 45A, सो नॉट स्टैंडिंग ट्रांसफर हो कैपिटल एसेट हो हम तो टैक्स देंगे। दिस सेक्शन अप्लाइज टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ये लैंड ओनर का टैक्सेशन, क्योंकि बिल्डर का टैक्सेशन बिजनेस हेड में होता है, बिल्डर का तो बिजनेस हेड लगेगा, उसका तो कॉलोनी काटी है, उसका तो बिजनेस ही है, ये टैक्सेशन लैंड ओनर का। दिस सेक्शन अप्लाइज टू इंडिविजुअल लैंड ओनर, ओल्ड एसेट ट्रांसफर्ड इज लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड क्यों, मेरी जमीन है 100 एकड़ मैंने आपको दी, बिल्डिंग क्यों, मैंने छत का डेवलपमेंट राइट दिया EDR, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट, और वो मेरा पुराना एक मकान बना हुआ है उसको डिमोलिश करके नया बना ले, या जमीन भी है लैंड बिल्डिंग भी है दो, फिर इट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट हुआ उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है वो, तो इट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वेयर असेसी हु इज ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग और वो हैज एग्रीड टू अलाउ अनदर पर्सन टू डेवलप अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फॉर, मैं लैंड ओनर हूं, मैंने कहा कि आप इसके ऊपर मकान बना लो बिल्डिंग बना, आई हैव एग्रीड दैट यू डेवलप दैट मी, आगे मैं पढ़ देता हूं, नेक्स्ट थिंग व्हिच इज रिटन अप हियर इज यू हैव एग्रीड टू डेवलप दैट थिंग इन कंसीडरेशन ऑफ व्हाट, मैंने अपनी जमीन के बदले में आप क्या दोगे, पैसे नहीं दोगे, आप दोगे शेयर, इन कंसीडरेशन ऑफ शेयर
being land or building or road in such project, whether with or without payment of part consideration in cash. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको जमीन दी और मैंने कहा इसके ऊपर बिल्डिंग बनाओ, पर 20 लाख रुपए मेरे को चाहिए, तो आप एक काम करो 20 लाख कैश में दे दो और बाकी के बदले में मेरे को 20 मकान दे दो। ऐसा कहीं नहीं होता है। पुराने अमीर लोग हैं, उनके साथ ही अक्सर प्रॉब्लम है कि उनके पास आज पैसे नहीं। मैं आई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे वो पुराने इन्वायरमेंट जिसमें टेक्सटाइल नहीं डाली और टेक्सटाइल नहीं डाली उनकी टेक्सटाइल नहीं हुई। Because famous now in famous for textile mills. So what happened is Indore में उन्होंने बड़ी एक textile mill set up की। Textile mill जब set up किया वो अलग कंपनी, उस जमाने की अलग कंपनी, बहुत अच्छा पर उनकी भी फेल हुई, फेल हो गई, पर आज उनके पास जगह जगह पर जमीन मिली भी जमीन है। उनका एक बड़ा सा उन्होंने शहर में 8-10 जगह और ऐसी जमीन है। Now what happened is उनके पास आज पैसे, पैसे लिए तो उन्होंने बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया, साहब मेरी जमीन ले लो, इसके ऊपर मकान बना के अपन डील कर लेंगे, इतने मकान में। ये डील करते समय उस लैंड ओनर को लगता है कि अगर सारा मेरे को काइंड में मिल जाए, मकान मिल जाए, तो उसमें समय लगेगा, पास 5 साल तक हमारा गुजारा कर सकते। तो हमने बिल्डर से अरेंजमेंट किया कि हम अपनी लैंड दे रहे हैं, इमीडिएटली आप हमको 25 लाख रुपये दो, ताकि हमें 4-5 साल तक चलता रहेगा, और जब तक वो मकान ना मिलेगा तब तक मकान भी ले लेंगे। सो कंसीडरेशन कैन बी काइंड, इट कैन बी कैश प्लस काइंड, कैसा भी हो सकता है। रियल लाइफ लेट अस रिलेट, आई डोंट नो इफ समबडी हैज कम अक्रॉस अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन रियल लाइफ, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स व्हिच हैपेंड इन इंडिया इन द लास्ट 10 इयर्स। उसके अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूँ। ईयर ऑफ टैक्स रिलीफ बस ये चतुर्भुज द्वारका द्वास, when it says, what it says, year of taxability क्या है? Year of taxability है अगर general power of attorney है, अगर general of power of attorney है, तो date of transfer of land is the year of taxability। अगर special power of attorney है, तो year of taxability है जब वो मेरे को मिला मकान मिला। इस केस में इस सेक्शन में क्या है? Now it is being settled और इसमें लिख दिया गया है year of taxability year in which the completion certificate is obtained। 2013 में मैंने लैंड दिया और उसमें उसको बिल्डिंग बनाई 17। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी है 17। ठीक है, जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसको उसके हाथ में कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बहुत फायदे में है लोगों के, लैंड ओनर ने आज लैंड दिया, आज टैक्स नहीं लगे, टैक्स कब लगेगा जब उससे मकान बनने की कंप्लीट हो जाए, 4 साल डेफर हो गया टैक्स। ठीक है, पर बात पूरी नहीं हुई, पूरी बात आगे होगी जब वो दोनों बात कर लेंगे कि वैसे तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी तब होगी जब आपने कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, पर कुछ केस में ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी 13 ही हो जाए, वो बताऊंगा। और नई बात कुछ नहीं, अगर आपको चतुर्भुज द्वारका का पता है तो वही बात है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर। अगर ओनरशिप 17 में ट्रांसफर हो, जब मकान कंप्लीट हो जाएगा तो 17 में टैक्सेबिलिटी होगी, और ओनरशिप आज ही ट्रांसफर हो गई, इफ यू हैव गिवन अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो 13 में टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। ऐसा अभी मैं कहता हूं। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, झगड़ा यह था कि लैंड ओनर ने लैंड दिया बदले में मकान मिले, तो व्हाट इज द सेल कंसीडरेशन? कोई ने कहा गाइडलाइन वैल्यू ले लो मकान की, कहां लिखा है? ये लो लिख दिया, स्टैंप वैल्यू विल बी सेल कंसीडरेशन प्लस कैश। मेरे को 10 लाख रुपए मिले और 3 करोड़ की गाइडलाइन वैल्यू के मकान मिले, तो 3 करोड़ प्लस 10 लाख सेल कंसीडरेशन। और गाइडलाइन वैल्यू किस दिन की? जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 17 की, 17 में मकान कंप्लीट हुआ, 17 की गाइडलाइन वैल्यू सी सेल कंसीडरेशन। और फिर आज 17 की गाइडलाइन वैल्यू को अगर सेल कंसीडरेशन मान लिया, तो अगली बार जब मैं बेचूंगा तो इसको कॉस्ट माना जाएगा। लैंड ओनर ने एक ट्रांजेक्शन तो किया बिल्डर्स, 10,000 की लैंड देके 3 करोड़ के मकान दिए, इस डिफरेंस पे उसको ऑलरेडी टैक्स लग गया 10,000 और 3 करोड़ के गैप पे। भविष्य में ये लैंड ओनर इन मकानों को रखेगा थोड़ी, ये तो बेचेगा, तो बेचेगा तब उसकी कॉस्ट क्या दी जाए? हिज कॉस्ट विल बी 3 करोड़। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर कॉस्ट विल बी दैट गाइडलाइन, ताकि डबल नहीं हो जाए टैक्स।
अब ये जो हावेवर लिखा है यह है चतुर्थ द्वार का रहस्य। हावेवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, विच प्रोविजन? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी इज द ईयर 2007 एंड सेम कंसीडरेशन इज द गाइडलाइन। दिस विल नॉट अप्लाई व्हेन वेयर असेसी, मार्क दैट फ्रेज, वेयर असेसी ट्रांसफर्स इन शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन। मैंने तो डे वन पर ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अगर डे वन पर ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी तो कोई 17 में टैक्स नहीं लगेगा, 13 पर ही लगेगा। 13 में मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी, उसी दिन टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले ही उनको जनरल पावर दे दी थी, ओनरशिप दे दी, अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट लीगलाइजेशन ऑफ द सेटल्ड प्रिंसिपल्स आउट ऑफ द बुक। तो सेकंड प्रिंसिपल ये है कि अगर जनरल पावर दी है तो ट्रांसफर उसी दिन है, और स्पेशल पावर दी है तो ट्रांसफर कंप्लीशन दे। कोई प्रिंसिपल मैं पढ़ देता हूं पूरा सेंटेंस। दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई वेयर द एसेसी ट्रांसफर्स हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड द कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड इनकम टैक्स शैल अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल प्रोविजंस। तो नॉर्मली इनकम टैक्स लगता है। अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट इसके ऊपर पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकती है, दैट मच कंटेंट फॉर दिस इज एटलीस्ट 16 नंबर का क्वेश्चन सकता है, उसका डेटा क्या है लेट मी एक्सप्लेन। असेसी इज ओनर ऑफ लैंड, दिस लैंड वॉज परचेज इन 2003-04। दिस लैंड वॉज परचेज फॉर 10 लाख। Assessee entered into a development agreement in 2014-15 in which only a special power of attorney was given to the builder. The land was to be developed, and in the developed area 60% portion was to belong to the land owner. डेवलप्ड एरिया का 60% लैंड ओनर के पास, ठीक है। दी डेवलप्ड एरिया हैविंग 60% विल कंप्राइज ऑफ 10 फ्लैट्स। डेवलप्ड एरिया में 10 फ्लैट होंगे, हर फ्लैट की गाइडलाइन वैल्यू जो रहेगी वो गाइडलाइन वैल्यू रहेगी से 22। हर फ्लैट की गाइडलाइन वैल्यू 22 लाख, तो लैंड ओनर को मिलना है 22 लाख इंटू 10 फ्लैट्स, ठीक है। ये गाइडलाइन वैल्यू हम बता रहे हैं आपको 2017 में, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। दो हजार 18-19 में लैंड ओनर ने इन 10 में से 2 फ्लैट बेच दिए, जो 10 फ्लैट थे उनमें से 2 फ्लैट बेच दिए, और ये 2 फ्लैट बेचे गए 40 लाख। कैलकुलेट द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ दिस ऑन द लैंड एंड जस्ट इट एंड जस्ट टेकिंग एग्जांपल एंड टेलिंग यू एग्जैक्टली क्या होगा। इसको लिख लो, असेसी इज ओनर ऑफ लैंड, उन्होंने 3-4 में लैंड खरीदा 10 लाख। 2014-15 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत लैंड ओनर को मिलने हैं 10 फ्लैट जिनकी गाइडलाइन वैल्यू है पर फ्लैट 22 लाख, ये मिलनी है 17-18 में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। और जो मिल रहा है नए फ्लैट जो मिल रहे हैं उसको मिला के लैंड ओनर का शेयर 60% रहेगा डेवलपर, इस शेयर विल बी 60% इन द डेवलपर, ऐसा दिया। और एक आखिरी बात दी हुई है कि वो जो मिलेगा उसको वो बेचेंगे 18-19 में, वो बेचेंगे 2 फ्लैट 40। लिख लो एक मिनट, राइट।
tell you the answer of this, how this is done. The landowner will be liable for tax in two stages, 2017-18 और 2018-19. 2017-18 में क्या होगा कि लैंड ओनर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत नया मकान मिलेगा, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर 2017-18. इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑफ, मेरा एग्जाम्पल है जहां स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिला तो ट्रांसफर। दूसरा क्वेश्चन सेल कंसीडरेशन, द गाइडलाइन वैल्यू 22 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 220 लाख, सीधे लिख देते हो 220, ये सेल। थोड़ा आप ध्यान देना कॉस्ट, लैंड ओनर ने लैंड खरीदा था 10 लाख, बहुत टिपिकल है और इसको कुछ लिखा नहीं है, जब तक ये एग्जाम्पल नहीं लेते तब तक ये नहीं समझ सकते। लैंड ओनर ने लैंड खरीदा था 10 लाख, डेवलपमेंट के बाद में 60% पोर्शन लैंड ओनर के पास है, 60% इज लैंड ओनरशिप, तो 60% लैंड ओनर का ही हिस्सा है, तो उसका हिस्सा तो उसी का है, वो ट्रांसफर तो नहीं किया। ट्रांसफर क्या किया उसने, 4 लाख, ओनली 40%, 4 lakhs is his cost, which is transferred to the builder. 60% मैंने रखा, 40% आपको दे दिया, आपको जो दिया वही तो ट्रांसफर हुआ। मेरा ऐसा कहना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से, प्रैक्टिकली दिस इज 4 लाख उसकी कॉस्ट हुई और इसको इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स कब से करेंगे, जब से उसने खरीदा था 2002-03 या जो भी 2-3 है या 3-4 है, टीचर से इंडेक्स कर लेंगे। कब तक करेंगे, 17-18 तक। ये हो गया एक। अब दूसरा है लैंड ओनर ने इन मकानों को बेचा, इन मकानों को बेचा ये ट्रांसफर है 2018-19, सेल ऑफ डेवलप्ड प्रॉपर्टी, सेल ऑफ डेवलप्ड प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर, उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये जो है ये बेचा आपने 40 लाख × 2, उसी पर टैक्स लगेगा जो अभी लिखे, तो 40 × 2 80 लाख अपना सेल कंसिडरेशन, इसकी कॉस्ट क्या है। अब देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैंने अभी तक ये 6 लाख रुपए को कॉस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि ये 6 लाख रुपए बेचे नहीं। सोच, मैंने बिल्डर को उसका हिस्सा दे दिया, उसके मकान उसकी कॉस्ट को मैं लिख चुका हूं 4 लाख, पर बचे हुए 6 लाख जो है उसको कॉस्ट नहीं माना, उसको कभी तो मानना चाहिए ना कॉस्ट, और उन्हें भाई नहीं मानी उसको कभी भी कॉस्ट नहीं माना। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन वैल्यू है उसमें लैंड की कॉस्ट भी असिमिलेटेड है, उसमें कंसोलिडेटेड है, तो मेरी कॉस्ट की जाएगी केवल 22। सब सोच समझ के लिखा उन्होंने, दे आर नॉट अनकॉन्शियस ऑफ द थिंग्स, माय कॉस्ट विल बी 22, द गाइडलाइन है ये लिखा जाओ, मेरी कॉस्ट 22 है। किसी के दिमाग में आ सकता है सर 22 तो है पर 6 का बंडल लिख दो, तो 6 जो मैंने अभी तक कॉस्ट मानी नहीं है, मैंने सिर्फ 4 मानी है, इसका बंडल ये नहीं लिखा है, इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ 22 द गाइडलाइन। So my cost will be taken as the guideline value 20. और अगर indexation होता तो उसका 17-18 से होता, अगर वो long term होता, यहाँ तो it seems it is short term in my present case, holding period is less than 24 months in this example, but if it is more than 24 months, it can be liable for indexation और वो होगा 17-18 से। ये example एक benchmark है मेरे ख्याल से, if you understand this example, this is development agreement in real where it is a special power of attorney. General power of attorney में तो आपका transfer ही 13-14 में गया, तो 13-14 में ही आपको tax लगेगा, ठीक है, that is it. बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ अब एक confusion, real life में क्या होता है,
रियल लाइफ में दो तरह के, मतलब आपके एग्जाम के लिए है, एग्जाम के लिए, और दो तरह की चीज आ सकती है आपको एग्जाम। मैं एक लैंड ओनर हूं, मैंने कैपिटल असेट को स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर, और स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट करके उसको मकान बना के खुद बेच, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ताली लिमिटेड करके, यू कैन सी योर नोट्स, ताली लिमिटेड इज दैट क्वेश्चन, जहां पे मैंने खुद ने स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट किया और मकान बेच। तो मेरे को दो इनकम होती है, कैपिटल गेन्स और प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम होती है जैसे जैसे मकान। ये केस उसका एक हायर वर्जन, मैंने इस मकान को खुद डेवलप करने की जगह एक अरेंजमेंट कर लिया डेवलपर से, और उस अरेंजमेंट के अंतर्गत वो डेवलपर उसको डेवलप कर रहा है और मैं अपना शेयर बेच सकता हूं। इफ आई कन्वर्ट एंड डेवलप इट, इट इज 45:2। इफ आई एंटर इन टू डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इट इज 45:5। आई एम डन विद दिस। ये तो बात है, इसके ऊपर इतनी किताबें आती है 1,500 पेज की, डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स एंड इट्स टैक्सेशन, 1,500 पेज की किताब आती है। मैंने उसको समराइज करने की कोशिश की क्योंकि इसके ऊपर लॉ, और आप क्वेश्चन ये कि इसमें टीडीएस होगा क्या, तो आप देख लो 194 आईसीसी न्यू सेक्शन पेज 11 विच सेज लैंड ओनर विल डू द टीडीएस ऑफ द डेवलपर बिटवीन द सेल कंसीडरेशन इज इंपॉर्टेंट। टीडीएस ऑफ डिडक्टर इज एनी, डिडक्टर इज रेसिडेंट, नेचर ऑफ पेमेंट इज 45:5 है, उसको टीडीएस होगा 10%। कब पेमेंट और क्रेडिट से रिजल्ट लिया 2017 में जब ट्रांसफर हुआ तब टीडीएस होगा। डन विद दिस। अब दो बचे, सिर्फ आखिरी के दो अमेंडमेंट्स, सब बड़े बड़े अमेंडमेंट्स। अगला अमेंडमेंट समझना, विच इज बिगेस्ट अमेंडमेंट्स विच फ्लड्स योर नोट्स, दैट इज नाउ पेज 14, ओल्ड लॉ। इन द ओल्ड लॉ इन इंडिया we had a concept which was called as SAR, specific entity avoidance rules, क्योंकि लोग अपना टैक्स बचाने के लिए कई सारी एग्रेसिव प्लानिंग करते हैं। एक शब्द इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग अपना टैक्स बचाने के लिए एग्रेसिव प्लानिंग करते हैं। ऐसी प्लानिंग तो भले ही कानून के दायरे में तो है, पर उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन करें, उनका ऑब्जेक्टिव प्रीडोमिनेंटली है कि वो टैक्स बचाएं। जैसे एग्जांपल, गाइडलाइन वैल्यू से कम में अपन ने लैंड बेच, अब किसको समझ आता है कि शायद अंडर लेवल पैसा लिया, उनके पास सबूत नहीं है तो क्या हुआ, सबको समझ आता है कि 1 करोड़ की लैंड को 5 लाख में तो बेच नहीं देगा। नाउ अगर कोई 1 करोड़ की लैंड 5 लाख में बेचता है, तो दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स है 50C, वेयर इट इज सेड कि गाइडलाइन वैल्यू से कम में बेचोगे तो गाइडलाइन वैल्यू भी सेम कंसीडरेशन। ऐसे 50 प्रोविजन से इनकम टैक्स है, मेरी इनकम मैंने अपने वाइफ के नाम पर डाइवर्ट की, क्लबिंग रूल्स एंटी अवॉइडेंस रूल है जो कहता है कि इनकम विल बी क्लब देना है, मैंने अपनी इनकम माइनर के नाम पर डाइवर्ट कर दी, माइनर्स इनकम विल बी क्लब देना। डेप्रिसिएशन, सेल एंड लीज बैक, मैंने एसेट बेचा और वापस लीज पे लिया, तो ऐसी परिस्थिति में जिससे एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट रहेगी WDV ऑफ प्रीवियस ईयर। पूरे इनकम टैक्स का एक प्रोविजन जो अपन ने पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं कोई अवॉइडेंस को रोकने का मैकेनिज्म। डेप्रिसिएशन, सेल एंड रीपर्चेस, अगर मैंने एसेट बेचा और वापस रीपर्चेस किया तो मेरी रीपर्चेस प्राइस विल बी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस माय अर्लियर WDV और रीपर्चेस प्राइस विच एवर इज लेस। अमालगमेशन, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को असेट ट्रांसफर किया, बी लिमिटेड को डिप्रिसिएशन मिलेगा एक WDV ऑफ प्रीवियस ईयर, इसलिए ताकि अमालगमेशन हाई वैल्यू को असेट नहीं ट्रांसफर करे, 1 करोड़ का असेट 2.5 करोड़ पर नहीं ट्रांसफर करे। ऐसे कई एंटी अवॉइडेंस रूल्स जो जिले में हैं, ये थे अभी भी हैं भविष्य में। वोडाफोन का एक लैंडमार्क केस जिसके बाद गवर्नमेंट थॉट दैट हाउ एग्रेसिवली पीपल आर डूइंग प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मींस प्लानिंग योर बिजनेस इन सच अ वे ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करें। ये प्लानिंग हमारे कानून के दायरे में नहीं है,
सो ये प्लानिंग भले ही गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिफीट करती है, पर ये कानून के कारण है, कानून को जो करने से रोक कर रहा है। अब प्लानिंग विदिन द लॉ बट मे डिफीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। वोडाफोन ने ऐसे किया, उन्होंने मॉरिशस में कंपनी क्रिएट की, ये करके उन्होंने टैक्स बचा है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वोडाफोन, यू नो इट, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस द प्लानिंग व्हाट दे डिड एंड व्हाट दे डिड वाज बाय डूइंग सम प्लानिंग दे अवॉइडेड टैक्स इन इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चलेगा, इट इज लीगल प्रोसेस। दुनिया भर के देशों में दे नॉट ओनली हैव अ सार, दे ऑल्सो हैव अ बार। तो इंडिया ने भी सोचा कि इट इज नाउ हाई टाइम दैट वी शुड ऑल्सो हैव बार इन इंडिया, जनरल रूल्स फॉर अवॉइडेंस, जनरल एंटी अवॉइडेंस, जैसा दुनिया भर में हो रहा है। इंडिया क्या है, दुनिया को फॉलो करो, इसलिए कह रहे हैं कि वी हैव साइन एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड। एज पर दिस एग्रीमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्लोबल यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें, जैसे पोएम रूल्स, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ग्लोबली ये फॉलो होता है, हम भी फॉलो करेंगे। तो ग्लोबल रूल्स विल बी फॉलो, ताकि दुनिया का कोई व्यक्ति इंडिया में आकर बिजनेस करे तो उसको अलग लॉ का टेंशन नहीं रहे, वो ग्लोबल लॉ जैसे दुनिया भर में है ऐसे ध्यान। तो इन इंडिया की थॉट इन 2012 दैट वी विल अडॉप्ट गार। अब इन द हीट ऑफ द मोमेंट अचानक से गार जब लाया है 2012, तो लोगों को लगा कि बहुत बड़ा काम हुआ, हम तो इतनी बढ़िया प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कर लेते थे, ऐसा दिखा देते, ये कर लेंगे, और उसके लिए लॉ में भी कोई प्रोविजन नहीं था। अपने को गिफ्ट देना है अपने कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर को गिफ्ट देना है किसी ने, तो सर हम ऐसा कर लेंगे, कजिन ब्रदर रिलेटिव नहीं है तो हम ऐसा कर लेंगे, पहले अपने फादर को गिफ्ट दे देंगे वो रिलेटिव है, और फादर अपने भतीजे को गिफ्ट दे देंगे कुछ भी ऐसा। तो ऐसा करके हम ट्रांजेक्शन अपने चाचा जी को गिफ्ट दे देंगे, चाचा जी अपने बेटे को दे देंगे। तो पीपल यूज्ड टू प्लान एग्रेसिव प्लान विच इज विदिन द ऑब्जेक्टिव विच इज विदिन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ बट नॉट विदिन द ऑब्जेक्टिव। इस प्लानिंग को रोकने के लिए 2012 में गवर्नमेंट ने कह दिया खत्म, आज से इस कंस्ट्रक्शन प्लानिंग नहीं चलेगी, जो आप कर लेते हो भले ही कानून में डाल देते हैं, इस प्लानिंग को एक नाम दे सकते हैं, दायरे में है पर इट इज इम्परमिसिबल। 2012 में जब यह आया तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत नुकसान है और इससे तो छोटे छोटे लोग मर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ लोगों ने कैसे शंका कि सर मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं मेरे को मकान खरीदने के लिए, पर मैंने हाउसिंग ली, हाउसिंग लोन पर मेरे को ब्याज का डिडक्शन मिल रहा है। अब ए क्या कहेंगे, ए कहेंगे कि आपने लोन क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि आप इनकम टैक्स बचा सकें। यू आर प्लानिंग इज विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ बट इट इज टू अवॉइड टैक्स एंड देयरफॉर आपको ब्याज का डिडक्शन मिली। मेरा कहने का क्लियर कट सेक्शन है जो कहते हैं ब्याज का डिडक्शन, इसे केवल और ऊपर और 2017 से ये नया लॉ हो गया है एक हफ्ते से, दिस बार हैज नाउ बीन मेड इफेक्टिव 1/4/2017। और शंका ये कि छोटे मोटे लोगों को तकलीफ होगी, नहीं
इसमें 3 करोड़ से ऊपर के जो ट्रांजेक्शन बड़े छोटी मछलियां पकड़ के उनका पेट ही भरने वाला, तो वी विल कैच ओनली दोस जिसमें 3 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन है, उसी के केस में ये गार मिलेगा। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, गार के ऊपर पक्का चोरी है, पक्का। मैं पढ़ रहा हूँ उसको पेज 15 से, जनरली टैक्स अवॉइडेंस इज लीगली परमिसिबल इफ इट इज विदिन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट एंड इज नॉट कलरेबल डिलीट्स। फ्रॉड होता था तो वैसे भी वो टैक्स इवेजन कहलाता था, वो नहीं चलता। हाउएवर मेनी टैक्स प्लानिंग्स टैक्स अवॉइडेंस आर प्राइमा फेसी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्ट, दे आर विदिन द फोर कॉर्नर्स बट दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट और मे बी प्राइमरीली डेसिग्नेटेड डिजाइन टू रिड्यूस द टैक्स सेलिंग। द ओरिजिन ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर का नंबर याद रखें, चैप्टर 10 सेक्शन नंबर है 95 से 102। सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, नया है पूरा। द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर शैल अप्लाई इन एडिशन टू फॉर इन व्यू ऑफ अदर सार, सार के एडिशन में चले गए। द प्रोविजन ऑफ गार ओवरराइड टू डीटीएल, बड़ा विचित्र है ये, और इसलिए लोग कहते हैं डीटीएल का ए ओवरराइड द एक्ट, पूरी एक्ट को ओवरराइड करते हैं एग्रीमेंट्स, इंडिया ने एग्रीमेंट कर लिया जापान से, दिस एग्रीमेंट ओवरराइड्स द एक्ट, बट वी से दैट दिस प्रोविजन विल ओवरराइड इवन द एग्रीमेंट व्हिच इंडिया हैज विद जापान, जापान से हम एग्री करके आगे और अपने देश का नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसा लिख दिया अपन ने, यही तो लिखा है, दिस विल ओवरराइड इवन द डीटीएल। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट अंडर सेक्शन 144C, एक 144C होता है ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट, जिसमें वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जाते हैं। तो अगर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो उसमें दो झगड़े हैं, कि ट्रांसफर प्राइसिंग का असेसमेंट होता है 144C में, और कार का जो असेसमेंट है वो होगा 144B में। ट्रांसफर प्राइसिंग का असेसमेंट होता है 144C में, जहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में केस जाता है, और कार का असेसमेंट होगा 144B। तो अल्टीमेटली लगेगा क्या, 144C लगेगा या BA लगेगा? मान लो कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है जो कार में भी आता है, तो BA में असेसमेंट होगा या C में होगा? तो दे हैव क्लेरिफाइड टू 144BA। नंबर 4, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड अंडर 144C दैट इन केस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कार द असेसमेंट शैल बी मेड अंडर 144B, and not as per 144C. A bar would apply in respect of a tax benefit in an aggregate or by all enterprises out of an arrangement in an assessment year exceeding 3 crores. 3 crores is added to adjustment only. Tabhi bar will be chote. I said they will catch the big gulls, not the small fishes in the pond. So, unko wohi pakadenge. 3 crore. Ab agar yahan shabd defined hai, ये सब शब्द को अपन छोड़ करें, क्योंकि ये शब्दों का डेफिनेशन का इतना मतलब नहीं, सिंपल भाषा में दिए हैं, उसको ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज है गार कब लगेगा, और अगर लगेगा तो उसका असेसमेंट कैसे। गार कब लगेगा, गार लगेगा अगर एक ट्रांजेक्शन इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एग्जाम का क्वेश्चन व्हाट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सेक्शन 96, दिस इज द टच स्टोन जिसके बेसिस पे गार है। गार के लगने के लिए फॉलोइंग टू कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, दिस ट्रांजेक्शन इज मेनली, the main purpose of this transaction is to obtain tax benefit. मैंने asset को sale and lease back क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि कुछ सच्ची मत करना, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को tax benefit। मैंने LIC policy क्यों ली? इसलिए नहीं किया कि मेरे को life insurance करना, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा objective था tax benefit।
ये बहुत जनरल स्टेट है। मैं आपको रियल लाइफ में कहता हूँ कि जिस भी केस में टैक्स बचता है एओ कैन कन्वीनियंटली आया कि आपके इंडिकेशन का टैक्स बचा है, क्योंकि इसमें मशीन तो आपने की जिससे पता चले कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव टैक्स बचाना है ना और इसका ऑब्जेक्टिव टैक्स बचाना नहीं। हमने मॉरिशस से कंपनी को बनाई, ऑब्जेक्टिव हाँ मेनली टैक्स बचाना। अब हम कह सकते हैं कि हमने तो इसलिए बनी क्योंकि हमको मॉरिशस में बिजनेस सेटअप करना है। वो कह सकते हैं कि नहीं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव था टैक्स, इट डिपेंड्स। दे विल हैव टू प्रूव, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन देम, दे विल हैव टू प्रूव इट कि इसका ऑब्जेक्टिव था टैक्स। प्लस प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मतलब नंबर वन, it creates rights and obligations which are not ordinary in view. ये transaction arms length में, those who have studied transaction pricing know this word arms length. हमने sister concern को लोन दिया, example है, हमने सिस्टर कंसर्न को लोन दिया, बाजार में ब्याज का रेट चल रहा है 16% और हमने सिस्टर कंसर्न से ब्याज लिया है 80%, इज इट एट आर्म्स लेंथ? ऑर्डिनरीली दिस इज नॉट क्लियर इनसाइड द सिस्टर कंसर्न से 80% क्यों ले रहे हो, इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ। तो दे से इट इज इनपरमिसिबल, व्हाई? ऑब्जेक्टिव है टैक्स बचाना, वो प्रूव कर देंगे टैक्स बचाना, और सेकंड है आपने ये ट्रांजेक्शन आर्म्स से लेते हैं, ये दो कंडीशन पूरी हो गई तो वो कहेंगे इट इज सिंपल पॉलिसी। सेकंड पॉइंट मतलब एक तो है मेन पर्पस टैक्स बचाना और सेकंड पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट इट रिजल्ट्स आउटकम की बात है, ट्रांजेक्शन क्या किया उससे नहीं, इट रिजल्ट्स in abuse of the power, act के प्रावधान का आपने misuse किया। example, एक claim, एक assessment मिलता है, income tax में API का deduction है, वो मुझे मिलता है। अब क्या हुआ कि मेरे को तो ऐसे बहुत losses होते हैं, तो मेरे को deduction की जरूरत है, मैंने क्या किया, कागज को दिखा दिया कि ये प्रोजेक्ट सिस्टर कंसर्न है, मैंने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से देखा लिया और पूरा प्रोजेक्ट सिस्टर कंसर्न को डायरेक्ट, सिस्टर कंसर्न को एक क्या है डिडक्शन मिल सकता है बिकॉज दे आर इन प्रॉफिट्स, उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनके लॉस नहीं है, मेरे लॉस का क्या है, मैं तो सेटअप कर लूंगा, तो मैंने क्या किया कि प्रोजेक्ट डाइवर्ट कर दिया सिस्टर कंसर्न को और डिडक्शन उनको दे दिया। इट इज अब्यूज ऑफ द प्रोविजंस, यू आर मिसयूजिंग द प्रोविजंस टू डाइवर्ट द क्लेम ऐसे ट्रांजेक्शन बोनाफाइड पर्पसेस के लिए नहीं किया, इनको देख के लगता शक है is carried in such a manner which are not ordinarily done in a bona fide. हमने अपनी एक कंपनी, अपनी एक कंपनी है जो करोड़ों अरबों के लॉसेस हो, इस कंपनी में भी किसी ने शेयर कैपिटल लगाया एट अ प्रीमियम, एक कंपनी जो लॉसेस में है उसको कौन लगाएगा पैसा प्रीमियम, इस ट्रांजेक्शन को देख के लगता और बाजार में ऐसी स्थितियां चल रही है, अपना पैसा वाइट करने के लिए हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के नाम पर पैसा इंट्रोड्यूस। सच ट्रांजेक्शंस आर नॉट ऑर्डिनरीली डन फॉर अ बोना फाइड, सच ट्रांजेक्शंस इन जनरल आर फॉर वाइटनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ऐसे ट्रांजेक्शन जो है दे कैन से दैट इन प्लस दैट इज थर्ड दे आर नॉट बोना फाइड। दो कंडीशन वापस रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन नंबर वन मेन पर्पस इज अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड सेकंड इज दे आर नॉट फॉर बोना फाइड, फोर्थ इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस,
it lacks commercial substance. मैंने goods बेचे, सबको बेचता हूँ 2 करोड़, किसी और को बेचे sister person को 1.5 करोड़, commercial substance fit नहीं बैठता है, turnover कम हो गया sister person, it is impermissible. ये करके मैंने tax बचा लिया, तो वो अगर मैंने कर लिया तो it lacks commercial substance. मैंने ऐसे किसको किराए पे दिया, मार्केट में रेट चल रहा है किराए का 5 लाख रुपए मिल रहा, मैंने कागज पे कम किराया दिया, 10 लाख ट्रांजेक्शन जैसे लिखे जा सकते हैं, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस. और अब सबसे प्रोमिनेंट चीज, एग्जाम का 4 नंबर का थ्योरी, 6 नंबर का थ्योरी, इट इज डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस. एक फिक्शन क्रिएट कर इस केस में, मान लिया जाएगा कि इट डीम्स इट इज नॉट इन कमर्शियल सब्सटेंस, इट डीम्स it is deemed to lack commercial substance. When it is deemed to lack commercial substance, इसका उन्होंने definition दी. एक short में लिखा हूँ उसको, form versus substance. तो उसके example दी. Example को ये जगह अब मेरा focus है उसको लिखने पे. Form versus substance. Substance में transaction कुछ और है. कागज को मैंने उसका कुछ और बना. तो मान लिया जाएगा कि अपन इस substance से ध्यान देंगे, कागज को form क्या देगा, एग्जाम्पल दिया मैंने इसे, कागज पे ये नाम दिया पर असली मालिक अगर नहीं, दे विल डिसरिगार्ड दिस फॉर्म एंड गो टू द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. दूसरा बेनामी, अपनी इनकम में किसी और के नाम पे बुक करो, बेनामी डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस. मान लो अपनी इनकम वाइफ के नाम पे दे दी, या मेरी एक खुद कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा दे दिया और दूसरी कंपनी पैसा कमा रही है उससे, मैंने अपने HUF को लोन दे दिया, HUF उसको ब्याज कमा रहा है, पैसा तो मेरे लिए उधार दे दिया मैंने, तो उधार दे दिया तो डीम्स लैक कमर्शियल सब्सटेंस. देन एग्रीमेंट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस रिस्क. एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया है कि मैं एक यूनिट लेके बैठा हूं किसी से, गुड्स बनाता हूं 10 रुपए, पूरी रिस्क में ले मैं बैठा हूं इसी सेट में और गुड्स बनाता हूं 10 रुपए में गुड्स बनाता हूं और पूरी रिस्क में ले, सारे बिजनेस रिस्क में बैठे मैंने ये गुड्स बना के बेच दिए अपने सिस्टम पर्सन को 12 रुपए, 2 रुपए का प्रॉफिट और बाकी सारा प्रॉफिट इन गुड्स को 50 रुपए में बेच के सिस्टम पर्सन ने कमा लिया. और रिवर्स केस, सारा प्रॉफिट मैंने सिस्टम पर्सन को डायरेक्ट कर दिया, बिना रिस्क लिए उन्होंने पैसा कमा लिया. एग्जाम्पल नंबर 2, मेरा एक हॉस्पिटल, मैंने क्या किया, हॉस्पिटल किराए पे दे दिया अपने रिलेटिव और नॉमिनल है और उन लोगों ने वापस मुझे किराए पे दे दिया, तो व्हाट हैपेंड इज मैंने उनको नॉमिनल वैल्यू पे किराए पे दिया, उन्होंने मेरे को हाई वैल्यू पे किराया, बिना रिस्क लिए प्रॉफिट कमा लिया, कागज पे दिस ट्रांजेक्शन उन्होंने बिना रिस्क लिए, इसकी रिस्क और रेवेन्यू का रेशियो इम्प्रॉपर है, गलत है. तो ऐसे केस को कहेंगे दैट इट डील्स टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस. और फिर उन्होंने कुछ और शब्द यूज किए, एक शब्द है राउंड ट्रिपिंग, सुना है एक शब्द है राउंड ट्रिपिंग, मैं बताता हूं, ए लिमिटेड ने दिया पैसा बी लिमिटेड, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने दिया ए को, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया, रोटेशन. ठीक है, इट हैपन्स इन मोर मोर इन द केस ऑफ सेल प्रोसेस. चार कंपनी अपने ग्रुप में और चारों कंपनी को 10-10 हजार करोड़ का लोन चाहिए बैंक से, पैसे अपने पास 5 लाख, बैंक लोन कभी देती जब अपना टर्नओवर इतना होता है, बैंक लोन तभी देते हैं जब आप रीजनेबल टर्नओवर, टर्नओवर नहीं है तो लोन कैसे चुकाओगे, तो मेरे को चाहिए टर्नओवर खूब सारा, मैं क्या करूं, माय फर्स्ट कंपनी ए गुड सेल्स द गुड्स टू बी, बी सेल्स द गुड्स टू सी, सी सेल्स द गुड्स टू बी, डी सेल्स द गुड्स टू ए, ए सेल्स द गुड्स टू बी, बी सेल्स द गुड्स टू बी, ऐसा बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे राउंड ट्रिपिंग. और ये करके मैंने पैसा बढ़ाया, किसी कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ाया, ए ने इन्वेस्ट किया बी में, बी ने इन्वेस्ट किया सी में, सी ने इन्वेस्ट किया डी में, डी ने इन्वेस्ट किया ए, फिर एने वापस इन्वेस्ट कर दिया बी में इन्वेस्ट किया सी में, दिस इज राउंड ट्रिपिंग. बैंक के फ्रॉड सारे ऐसे ही होते हैं, वो सत्यम हो या मिस्टर मालिया,
सारे फ्रॉड जैसे ही होते हैं, टू इंक्रीज दी कैपिटल टू गेट अ मोर लोन फ्रॉम द बैंक, दे डू राउंड ट्रिप ट्रांजेक्शन, एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर एक है अकोमोडेशन एंट्री, अकोमोडेशन लोन की बोगस एंट्री, गिफ्ट की बोगस एंट्री, मिला ही बोगस लिखा गया सेक्शन 68 अकोमोडेशन एंट्री। देन तीसरा दिया हुआ है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन विच ऑफसेट्स द अनदर ट्रांजेक्शन। मैंने आपको गुड्स बेचे, बदले में आपने मेरे को कोई गुड्स और बेच दी, ऑफसेट। मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, आपने भी 10 लाख का लोन दिया, मैं आपसे ब्याज ले रहा हूं 2%, आप मेरे से ब्याज ले रहे हो 20%, ऑफसेट। वन ट्रांजेक्शन ऑफसेट दी अनदर ट्रांजेक्शन, दैट इज ऑफसेट। और इन सबके साथ एक चीज जोड़ लेना, इस सबके अल्टीमेटली इंपैक्ट ये है कि टैक्स बचाया, ठीक है। मेन पर्पस इज अवॉइडेंस। और आखिरी है अ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू अ डिसगाइज, इसका एग्जांपल लिया है मैंने, शेयर कैपिटल इज इन्वेस्टेड थ्रू मॉरिशियस। मॉरिशियस की कंपनी कौन पता नहीं आपको, क्या लेना देना इंडिया की गवर्नमेंट, मॉरिशियस की कोई भी कंपनी, हमने कहा सब पैसा मॉरिशियस है, मॉरिशियस की कंपनी के पास पैसा कहां से आया हम नहीं बताएंगे, बताएंगे मॉरिशियस की कंपनी कौन सी नहीं बताएंगे, मॉरिशियस की कंपनी के पास इसका पैसा था क्या नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, बस मॉरिशियस से पैसा। वी आर डिसगाइजिंग आधा ट्रांजेक्शन छुपा, ये करके फायदा क्या हुआ कि अपना पैसा बना, अपना पैसा मॉरिशियस से दूसरे इंडिया। और हम उनको चैलेंज कर रहे टेक्निकल लेवल पे, आपको राइट ही है कि आप मॉरिशियस की कंपनी के बारे में जान सकते, इंडियन गवर्नमेंट अपने बारे में ही जान ले वही बोलते, यू शुड नॉट नो नथिंग, यू शुड नो अबाउट मॉरिशियस। सो दैट इज अ ट्रांजेक्शन इज दिस साइड, ये रियल टाइम इश्यू के सब एग्जांपल्स हैं। तो ये दिया व्हाट इज इनपरमिसिबल अवॉइडेंस इन द प्राइम ऑफ फेसी फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड एंड इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इट इज नॉट बोनाफाइड, ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, इट इज ऑर्डिनरी नॉट डन, आर्म्स लेंथ पे नहीं है, इट रिजल्ट्स इन अब्यूज ऑफ लॉ एंड इट इज डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, जिसके एग्जाम्पल में सब्सटेंस ओवर फॉर्म की थ्योरी, बेनामी, रिस्क मिसमैच होती है, राउंड ट्रिपिंग है, अकोमोडेशन एंट्रीज है, सेट ऑफ ऑफसेट होती है, एंड डिसगाइज, ये सब रखना। अगर कोई इनपरमिसिबल ट्रांजेक्शन है तो उसका इंपैक्ट क्या है, उसके असेसमेंट कैसे होंगे, मेरा रिकमेंडेशन है आपको देखना चाहिए पेज नंबर 18। अगर कोई इनपरमिसिबल ट्रांजेक्शन है तो उसका असेसमेंट का एक प्रोसीजर, प्रोसीजर ब्रॉडली समझना, ब्रॉडली मेरा असेसमेंट एओ के पास चल रहा है, ये जब एओ के पास असेसमेंट चल रहा है उस समय एओ ने मेरे केस को, उनको लगा कि मेरे केस में इनपरमिसिबल मैंने कोई ट्रांजेक्शन है, तो ही विल रेफर माय केस टू दी कमिश्नर, कमिश्नर मेरी सुनवाई, ही विल गिव मी अपॉर्चुनिटी ऑफ After giving opportunity of being heard, there are two possibilities. उनको still लगता है कि impermissible है और उनको लगता है कि impermissible नहीं है। Impermissible नहीं है तो सब कहानी खत्म, और उनको still लगता है कि impermissible है तो he will transfer my case to approving panel. Approving panel मेरे को opportunity of being heard. अपॉर्चुनिटी देखे हैं वो दो चीज, या तो उनको लगता है कि इम्परमिसिबल है या नहीं है, इम्परमिसिबल नहीं है तो कहानी खत्म, और इम्परमिसिबल है तो कह देंगे कि इम्परमिसिबल है, वो इम्परमिसिबल है कहे कि नहीं है, या वो कहे इम्परमिसिबल है, दोनों ही केस में वो एक को देंगे डायरेक्शन, साहब ऐसा करें, वो डायरेक्शन एओ पर बाइंडिंग होंगे और एओ को मानने असेसी पर बाइंडिंग नहीं, एओ पर वो डायरेक्शन बाइंडिंग है और उनको मानने और उन डायरेक्शन के बेसिस पर एओ को असेसमेंट करना, अगर असेसी उससे एग्रीव्ड है तो असेसी के फाइल एंट्री आई।
That is it. You know, बिल्कुल एकदम क्रिस्प शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, पढ़े एओ के सामने मेरा केस चल रहा है. एओ हैज अ पावर टू डिक्लेयर माय ट्रांजैक्शन इंपल्स इफ फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. मैं पढ़ रहा हूं पेज 18.1. असेसमेंट इज पेंडिंग. देयर इज मटीरियल एंड एविडेंस विद एओ. एओ शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एओ थिंक्स having regard to the material and evidence, AO is satisfied to say this transaction is impermissible. He considers it necessary to consider it as impermissible and determines the consequences. इसका impact क्या होगा वो हमने निकाल दिया. इससे आपका खर्चा डिसलव कर दूंगा, ये कर ये केस उठाते हुए दे देंगे कमीशन. क्या होगा कि मेरे इतने बड़े करोड़ों के ट्रांजेक्शन को आप एक इम्परमिसिबल ट्रांजेक्शन कह दोगे. कह दोगे ये चोरी के लिए अवॉइडेंस के लिए फॉर्म एन ओपिनियन दैट द ट्रांजेक्शन इज इम्परमिसिबल. पहले तो कुछ फाइल को पढ़ेंगे और देखेंगे हाँ ये इम्परमिसिबल है कि नहीं. फिर उसके बाद देयर अपॉन इशू नोटिस टू द एसएससी अपॉर्चुनिटी ऑफ द नोटिस शैल डिस्क्लोज द रीजंस एंड बेसिस. कमिश्नर को क्या लगता है नोटिस शैल रिक्वायर टू फाइल ऑब्जेक्शन. आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ. फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ऑल पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी सब अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है. एंड देन इस के ऑब्जेक्शन कितने समय में आपको फाइल करना है ये समय दिया है. हम आपको 30 दिन का समय देते हैं इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करना. 30 डेज या 60 डेज मैक्सिमम इट कैन बी 60 डेज. अब एसएससी रिप्लाई नहीं करता है कुछ कहता नहीं मतलब कहते तो कुछ नहीं कहानी खत्म. सीधे एओ एडजस्टमेंट करते हैं. पर अगर एसएससी ऑब्जेक्ट करता है जो कि करेंगे ही 100% अगर एसएससी ऑब्जेक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर अपॉर्चुनिटी दी जाए और अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर उनको लगता है कि इम्परमिसिबल नहीं है तो लिस्ट ऑफ खत्म. एओ को कह देंगे भैया ये नहीं है इम्परमिसिबल मत करो कुछ. पर अगर कमिश्नर को लगता है कि इम्परमिसिबल है तो ही विल रेफर द केस टू द अप्रूविंग पैनल. अब आगे पढ़ो अप्रूविंग पैनल. व्हाट इज अप्रूविंग पैनल. इट इज अ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री जजेस जैसे डीआरपी होती है जहां तीन जज होते हैं तीन अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरिएट लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है उस लेवल पे तो उसका एक कमिश्नर और दो जॉइंट सेक्रेटरी है. मैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेसीआई मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे लोग उनकी बात मतलब बड़े लोग तो उनकी बात तो वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के लोग या कमिश्नर तो वन कमिश्नर प्लस टू जॉइंट सेक्रेटरी और वन टू कमिश्नर प्लस वन जॉइंट सेक्रेटरी या तीन कमिश्नर या तीन जॉइंट सेक्रेटरी कोई भी कॉम्बिनेशन है इट विल हैव थ्री एंड द कॉम्बिनेशन विल बी फिक्स्ड. अब ये जो तीन लोगों का एक पैनल रहे ये पैनल क्या करेगा. ऑन रिसेंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द अप्रूव्ड सीआईटी अप्रूविंग पैनल शैल इशू such directions as it thinks fit to the AO in respect of declaration of arrangement of impermissible avoidance agreement. No directions prejudicial to the SSC or AO shall be issued unless opportunity of is provided. Approving panel may, before issue of such directions, direct the CIT to make such further inquiry either himself, भाई वो remand report मंगा सकते हैं उनको लगता है कि कुछ inquiry करनी है करवा सकते हैं. अब डायरेक्शन जो दिए जाएंगे उस पर The approving panel shall issue such direction as it thinks fit. They can say it is impermissible, they can say it is not impermissible. Approving panel shall issue directions by majority. Teen hai isiliye kyunki majority view chalega. In case of difference of opinion, majority view will prevail. Direction shall be issued within 6 months. Time bound hai, within 6 months from the end of the month, in which reference is made. Assessment order AO ko jo karna hai wo kya hoga. The AO shall, on receipt of the directions, proceed to complete the assessment. More important, in accordance with directions.
AO is bound by the directions. जो भी उन्होंने कहा वो करना है. उन्होंने कहा इसको मान लो इम्परमिसिबल, मान लो. उन्होंने कहा मत मानो, मत मानो. जो भी करना है कर ले AO, but अगर असेसी के खिलाफ में दिया जा रहा है तो असेसी हैज अ राइट टू ऑब्लिगेटली अलाइनमेंट. लास्ट पॉइंट कैन बी सी 7 पॉइंट, अपील अगेंस्ट असेसमेंट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रूविंग पैनल शैल लाइकली अलाइनमेंट. दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर. ये पूरा का पूरा जो चीज है दी. और एक आखिरी चीज और दी है कि इन केसेस में असेसी कैन ऑल्सो अप्रोच टू एरिया, विच इज इंपॉर्टेंट. ये बड़े ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं तीन करोड़ के, वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं. पहले से बता दो सर हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये परमिसिबल होगा? और अगर ये इम्परमिसिबल डिक्लेयर हो जाएगा तो पहले से बता दो, हम ऐसा नहीं करेंगे. ट्रांजेक्शन करने से पहले रिटर्न अप्लाई कर दिया और एडवांस. दिस वॉज दी सेकेंड लास्ट गार. दो चीजें बताएंगे गार का ऑब्जेक्टिव के बाद. गार के ऑब्जेक्टिव के बाद बताया कि इस सेक्शन में, इस पूरे चैप्टर में, दे कैन रिगार्ड सर्टेन ट्रांजेक्शन एज इम्परमिसिबल. And if they regard it as impermissible, procedurally how they will do it as impermissible. That's it. Ab last amendment given by the Finance Act 17 to be still. और ये amendment पढ़ने के लिए आपको न केवल Income Tax Act आना चाहिए, आपको Ind AS आना चाहिए. I don't know if people have studied Ind AS or not. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. मैं आपको बताता हूँ उसका एक कंसेप्ट. और वो कंसेप्ट जो है, वो कंसेप्ट आपको वैसे पता है कि आप भले इंडेक्स में पढ़े, कुछ जनरल बातें जो इंडेक्स के बारे में है वो मैं बताऊँ. एक सबसे प्रोमिनेंट बात इंड एस की है, उसकी एप्लीकेबिलिटी. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट इयर्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी. एंड इंड एस का फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं FTA, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, उसके लिए भी उन्होंने एक इंड एस लिखा है. इंड एस 101 ट्रांजिशनल प्रोविजन, जो कहता है कि पहली बार जब इंड एस अप्लाई होगा तो क्या होगा. What I am aware of, कि जब पहली बार इंडेक्स अप्लाई होगा तो जो पुराने अभी सब चीजें चल रही बैलेंस शीट, वो सब चीजों को उसका इंपैक्ट निकाला जाएगा. कि मान लो मेरा एक असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चल रहा, वो असेट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चल रहा था अचानक से वो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, which will result in upward or downward revaluation of that asset. इसी प्रकार से investments जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे थे, परमानेंट वैल्यू पे चल रहे थे, अब उनको मार्क टू मार्केट किया जाए, विच में रिजल्ट इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ दी इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सब चीजों को जब फेयर वैल्यू पे लाया जाएगा, इस सबका इंपैक्ट एनालिसिस किया जाएगा ओपनिंग डे, जिस साल पहली बार ये लगा है. मान लो किसी एंटरप्राइज पे इंड एस लगेंगे फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ अडॉप्शन. 1 अप्रैल 17 जब पहली बार इंडेक्स लग रहा है तब उसने इंपैक्ट एनालिसिस किया. एंड दिस थिंग विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द कैपिटल एंड रिजर्व्स. दैट इज व्हाट वी डू, यू एडजस्ट इट विद द कैपिटल. अब इनकम टैक्स में क्या है, ऐसे ही होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ऐसे ही होता है. अब क्या होगा कि जब इसको फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया जाएगा तो अकाउंट्स में तो आप इसको कैपिटल में ले जाओगे, पर इनकम टैक्स में मैट कैलकुलेशन में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा. जो ये जो सारा इंड एस का FTA का इंपैक्ट है, ये FTA के इंपैक्ट को, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन इंपैक्ट को आप इनकम टैक्स में मैट कैलकुलेशन में कैसे ले सकते हैं. फिर अकाउंट्स में आज से सारे असेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, क्या मैट कैलकुलेशन भी फेयर वैल्यू पे होगा. मैट कैलकुलेशन इज बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट, सो वी फॉलो द कंपनीज एक्ट. And companies actually now follow Ind AS. So once Ind AS are adopted, what will happen? My profit will be divided into two parts. My profit will have my comprehensive income, normal income, and other comprehensive income, OCI.
So my profit for MAT will be normal income or OCI? After OCI adjustment, whether it will be taken, so what will be my profit and yield? Okay, whether it will be my normal income or it will also consider OCI. The other incomes which I may earn out of extraordinary events. So, ye issues hai. Aur ye issues ka basic fundamental hai, basic fundamental. Once Ind AS have come, Ind AS will apply. And whatever given is given in the Ind AS shall be allowed. Ind AS ki jo bhi mechanism hota hai, uske hisab se ab MAT ka bhi calculation. So, MAT ke calculation ke liye, we have borrowed whatever is given in Ind AS. Ind AS aapko tax mein padhne ki zarurat nahi hai. Ind AS aapko accounts mein padhne ki zarurat hai. Tax mein directly Ind AS will not apply. Because Ind AS is not a part of tax. It is a part of accounts. But jab aap MAT ka calculation karoge, to ye yaad rakhna first instance pe ki MAT ke calculation mein Ind AS will now be applicable. और जिनके ऊपर Ind AS लग रहा है, आज सबके ऊपर तो लगा नहीं है, जिनके ऊपर Ind AS लग रहा है उनको Ind AS के हिसाब से ही अब अपने शेड्यूल 3 अकाउंट्स बनाना है, वैसा ही सारा कैलकुलेशन करना है, पर उनको ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स करने हैं। नॉर्मली तो दे विल प्रिपेयर देयर अकाउंट्स इन कंसोनेंस विद Ind AS, बट दे विल हैव टू डू सर्टन एक्स्ट्रा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन which is given in your notes at page 6 and 7. Because of the applicability of Ind AS, you will have to do extra adjustments. वो adjustments करने के लिए, वो adjustments के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उनको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, समझना उसको। सबसे पहला adjustment, उस पहले एडजस्टमेंट में यू विल सी देयर इज अ स्टेटमेंट इंक्रीज बाय द अमाउंट क्रेडिटेड टू ओसीआई। मार्क माय वर्ड्स, आई हैव अ पीएनएल अकाउंट व्हिच आई कॉल इट अ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल व्हिच कंप्राइजेस ऑफ माय कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ओसीआई, और इसके बाद आ गया मेरा प्रॉफिट। उनका ये कहना है कि आपको न केवल आपकी नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगेगा बल्कि आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर भी टैक्स लगेगा। ये पहले पॉइंट का क्रक्स है। फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उस पर भी आपको मैट लगेगा। यहां मान लो आपके फिक्स्ड असेट रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है, आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंश्योरेंस क्लेम है, इन सब के ऊपर आपको मैट लगेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाटएवर इज अ पार्ट ऑफ ओसीआई, उस सब के ऊपर आपको मैट लगेगा। इन अब मैं पढ़ रहा हूं वापस, इंक्रीज बाय द अमाउंट क्रेडिटेड टू ओसीआई, ओसीआई में जो क्रेडिटेड है उसको जोड़ दो, मतलब इनकम बढ़ा दो, उस पर टैक्स लगेगा। एंड डिक्रीज बाय द अमाउंट डेबिटेड टू ओसीआई, तो जो डेबिट है उसको माइनस कर दो। ओसीआई एडजस्टमेंट्स भी होंगे अब मैट में, जो क्रेडिट है और डेबिट है दोनों। हाउएवर इन दो चीजों का एडजस्टमेंट नहीं होगा जो लिखा है। किनका नहीं होगा मैं पढ़ रहा हूं। ओसीआई में अगर कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया है ऑफ Ind AS 16 एंड Ind AS 38, Ind AS 16 आई विल टेल यू, आई डोंट नो यू नो द नंबरिंग सीक्वेंस ऑफ Ind AS और Ind AS का जो नंबर नहीं मैं बता रहा हूं, Ind AS का नंबरिंग सीक्वेंस दो तरह का होता है, एक है Ind AS 1234 सीरीज और एक है 101-102 सीरीज। जो पुराने AS थे जो कन्वर्ट हो गए अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मार्क करें, जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे कन्वर्ट हो गए इनटू न्यू Ind AS, उनकी नंबरिंग सीरीज है 1-2-3। जैसे AS1 विच वॉज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, दैट वॉज नाउ इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज Ind AS1। और जो ऐसे नए Ind AS है
जिसके ऊपर पहले कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई नहीं, वो आया है दे हैव अ सीरीज 101 सीरीज 101 102 सीरीज, दैट इज द पैटर्न ऑफ द थिंग. ये जो है इनका इंडेक्स 16, इंडेक्स 16 पहले से था ASL बिग जस्टिस, उसका नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट इट इज द सेम ASL. मतलब ऑफकोर्स फिलोसॉफिकल चेंज है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होगी, पर इट इज ओल्ड थिंग विच हैज नाउ बीन मूव्ड टू ASL. तो AS16 मतलब AS10 आई शुड से, AS10 जो है उसमें जो फेयर वैल्यू वैल्यूएशन पे लॉस या प्रॉफिट होगा उसको इग्नोर करते हैं. फेयर वैल्यू में भी तो लोग क्या करते हैं, बोलते थे कि हाँ हमने एक बिल्डिंग बनाई थी, फैक्ट्री थी, उसका इंपेयरमेंट हो गया, भयंकर लॉस बुक कर, मैट कंपनी गई, हर साल इंपेयरमेंट लॉस बुक कर, नहीं चाहिए. प्लांट का अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कुछ भी हो, इट इज मोशनल, इट इज नॉट रियल, एंड देयर फॉर मैट इज नहीं, मोशनल गेन और लॉस जो है उसको इग्नोर करते हैं. ऐसे है पुराने वाले के लिए इंटेंजिबल, मतलब वो इंटेंजिबल्स का फेयर वैल्यू वैल्यूएशन, कोई लाइसेंस दिया था उस लाइसेंस का फेयर वैल्यू वैल्यूएशन, उससे जो इमोशनल गेन एंड लॉस है उसका OCA में जो क्रेडिट है या डेबिट है उसको एडजस्ट करना है. नोशनल गेन ऑन लॉस होगी, उसका मैंने एग्जांपल भी दिया है, पार्टनर नंबर कैन जस्ट नील दैट नॉट दैट डिफरेंट. फिर है गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो ईडीएस है वो 109 ईडीएस डील्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, उसके ऊपर कभी आने वाले थे AS 30 31 32 जो आने पाए थे they were to deal with this derivatives and all the financial instruments. तो वो जो थी वो आ नहीं, आई डोंट नो आपने पढ़े थे AS 30 31 32 वो नहीं आ पाए, उसकी जगह के ब्रॉट इन AS 109. AS 109 इज अ न्यू AS, अर्लियर देर वॉज नो AS अबाउट इट. तो AS 32 9 जो है 109 109 इट डील्स विद मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ दी इन्वेस्टमेंट्स. अब ये जो मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन होगा इट विल रिजल्ट इन अ नोशनल गेन एंड लॉस, तो दिस नोशनल गेन एंड लॉस शुड बी इग्नोर, दैट इज. अब नोशनल गेन एंड लॉस को इग्नोर किया जाए, पर जब रियल गेन एंड लॉस हुआ उसको कंसिडर किया जाए. और बड़ा टेंशन वाला काम है ये, उसके ऊपर मेरे को एक एग्जाम्पल लेना पड़ा, आप उसको एग्जाम्पल को समझ. मैंने एक असेट, मान लो असेट खरीदा फिक्स असेट, और उस असेट की बुक्स में है, बुक्स में WDV आती है 6 लाख, पर मैंने उसको मार्क टू मार्केट फेयर वैल्यू पे ले जाने के लिए कर दिया 4 2 लाख का नोशनल लॉस बुक किया. ये 2 लाख का नोशनल लॉस जो है ये अलाउ नहीं हुआ मेरे को मैट में, क्योंकि मैट में नोशनल डेबिट इन OCI नोट इस 2 का मेरे को मान लो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में क्लेम अलाउ नहीं हुआ. सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, मैंने बुक्स में तो इसको अब रिकॉर्ड कर लिया 4, आफ्टर डूइंग दिस एडजस्टमेंट बुक्स की वैल्यू है 4, 1-1.5 साल बाद मैंने इसको 17-18 में बेचा 9 में, तो मेरी बुक्स में जो प्रॉफिट क्रेडिट होगा वो होगा 4 की वैल्यू और 9 की सेल प्राइस, इसका डिफरेंस 5. सोच मेरा असेट है उसकी एक्चुअल WDV होनी चाहिए 6, और 6 की WDV बिकती 9 में, तो मेरे को एक्चुअल गेन होता 3. अकाउंट्स को लॉन्ग रन में न्यूट्रलाइज हुए, कैसे हुआ, जब मैंने उसको 6 से 4 पर रिकॉर्ड किया तो 2 का डेबिट मार दिया इमोशनल लॉस फेयर वैल्यूएशन के लिए, और जब मैंने बेचा तो 5 का क्रेडिट मार दिया. अल्टीमेटली माय 3 इज माय नेट इनकम, अकाउंट्स में यही इनकम अल्टीमेटली रिजॉल्व. बट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर Ind AS हैव कम इनटू पिक्चर, इन द मैट दिस 2 वाज नॉट अलाउड, 2 का डेबिट अलाउड नहीं हुआ, और जो मैंने बेचा तो अकाउंट्स में इनकम होगी 5, तो मेरे को तो ज्यादा पर टैक्स लग जाएगा ना, मेरे को तो 5 का टैक्स लग जाएगा, 2 का डेबिट भी नहीं दिया. तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 का नोशनल लॉस है ये आपको 17-18 में,
ये दोनों लॉस इमोशनल लॉस उस समय अलाउ नहीं करेंगे जब आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उस समय अलाउ करेंगे जब आप उसको एक्चुअली यूज समझो उसको। एक एग्जांपल और लेते हैं, रिवर्स मेरा एक एसेट है जिसकी अदरवाइज डब्ल्यू डी भी होनी चाहिए, डिप्रिशिएटेड वैल्यू है। किसी ने हमको सजेस्ट किया कि साहब आपके एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो हमने उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया 15। सब्सिक्वेंटली हमने उसको बेचा 13। 16-17 में हमने जब उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया तो 6 और 15 का जो गैप है 9, अकाउंट्स में उसको क्रेडिट कर दिया नोशनल रेवेन्यू को, पर मैच उसको नहीं करा। और जब हम उसको बेच रहे हैं 17-18, अब बुक्स में तो इसका फिगर आ रहा है 15 आफ्टर ड्यू दी फेयर वैल्यूएशन, ये 15 पे आ रही है और हमने बेचा 13। बुक्स में तो हमने इसको 2 पे उल्टा लॉस बुक किया, 15 का वैल्यू 13 में बेचा, 2 का लॉस बुक किया। जबकि रियल टर्म्स में ये हुआ कि मेरी डब्ल्यू डी बी 6 थी और 13 का मेरा सेम प्रोसीजर, रियल इनकम इज माय इनकम इज 7। अकाउंट्स में न्यूट्रलाइज ऐसे हो गया था कि 9 पहले क्रेडिट था, 2 अब डेबिट है, 7 हो गया, पर मैट में ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया क्योंकि 9 का क्रेडिट तो मेरे को क्रेडिट होने ही दिया था मैट में, तो मैट में तो उल्टा मैंने 2 का लॉस बुक कर लिया। तो व्हाट दे आर सेइंग इज इन द ईयर 17-18 इस 9 को आप क्रेडिट मान, ये नोशनल लॉस आपको उस साल अलग नहीं होगा या नोशनल गेन उस साल टैक्सेबल नहीं होगा जिस साल आपने नोशनल एंट्री की, ये आपके बुक्स में आप ले लो उस साल जिस साल आपने इस एसेट को डिस्पोज ऑफ। सी दैट सेंटेंस, हाउएवर इन द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर, जब बेचा मैंने 17-18 में उस साल मैं इस बुक प्रॉफिट को एडजस्ट करूंगा, बुक प्रॉफिट को नहीं एडजस्ट। आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ सिमिलर एग्जांपल। अब मैं आता हूं बी और सी पॉइंट पे, जो कि इतने बड़े नहीं है, इतने टेक्निकल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर बी, इंक्रीज और डिक्रीज बाय द अमाउंट डेबिटेड, इंक्रीज बाय द अमाउंट डेबिटेड, समझ मैंने पीएनएल में डेबिट किया है और वो डेबिट को हटा दिया जाए, अगर मैं कह रहा हूं मैंने पीएनएल में डेबिट किया है और उस डेबिट को हटा दिया जाएगा, सो व्हाट आई मीन, वो अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा? डेबिट किया है और डेबिट को हटा दिया जाए मतलब और फिर लिखा है द अमाउंट व्हिच इज क्रेडिटेड, क्रेडिट किया है उसको माइनस, क्रेडिट किया है उसको माइनस कर दिया जाएगा मतलब कि वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, उसका टैक्स नहीं लगेगा। डेबिट है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्रेडिट है तो उसको टैक्स नहीं किया जाएगा। मैट इज न्यूट्रल अबाउट दिस, उसके सामने लिखे बोला न्यूट्रल, मैट इज न्यूट्रल अबाउट दिस, न्यूट्रल अबाउट दिस मीन्स डेबिट है तो डेबिट से हटेगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट से। व्हाट इज दैट थिंग, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ डी मर्ज। एक कंसेप्ट ये है कि डी मर्जर के समय हम फेयर वैल्यूएशन करेंगे और उस फेयर वैल्यूएशन को करने से व्हाट विल हैपन इज जो भी हमारा नोशनल गेन या लॉस है उसको हटा दिया जाएगा, सो अल्टीमेटली द इंपैक्ट ऑफ दैट विल बी डीमर्जर के बाद डी लिमिटेड उसको रिकॉर्ड करती है 1.5 करोड़, अब नई कंपनी डी लिमिटेड को 1.5 करोड़ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा या 1 करोड़ पे, एज पर इंड एस इट शुड बी एट परचेस प्राइस 1.5 करोड़, बट दे हैव सेड कि नई कंपनी को भी वही पुरानी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, तो जो नई कंपनी ने वैल्यू बढ़ा दी या वैल्यू कम कर दी, असेट की वैल्यू बढ़ गई या वैल्यू कम हो गई, हमको उस बड़ी हुई घटी हुई वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हमको ओरिजिनल वैल्यू में ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी वेयर द प्रॉपर्टी एंड द लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी,
merge company, any change in such value shall be ignored. Value में जो change है उसको ignore करेंगे, मतलब पुरानी value पर ही depreciation देंगे. क्योंकि वो ultimately demerger का impact ये है कि आप अपने हिसाब से adjustment ना करो. आपने कोई value बड़ा नहीं ली notionally, तो उस adjustment को neutralize कर देंगे कि भाई वैसे तो invest करेगा, पर notional value में जो change किया है वो हम account को नहीं करेंगे. And then this last point is important. जब Ind AS का first time adoption होते समय all the assets and liabilities will be taken at a different time. All the opening figures have to be adjusted. और ये जो opening figure है इसको हम adjust करेंगे अपने reserves और capital से. तो what is said over here is कि इसको एक साल में नहीं रहेगा, इसको पांच साल में रहेगा. वो एक अमाउंट निकलेगा ट्रांजिशन अमाउंट विच विल बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स. द बुक प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ कन्वर्जेंस जिस साल वो चेंज हुआ है एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 इयर्स शैल बी फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट. जो ट्रांजिशन का गेन और लॉस है उसको 5 इयर्स में अमोर्टाइज किया जाए. ठीक है, यू कैन चेक Ind AS 101 what they do there and now in income tax MAT calculation it will be adjusted over years. Now transition amount means the amount adjusted in other equity excluding capital reserves and securities premiums on the conversion. अब ये कुछ चीजें भी हैं जो मतलब precisely I can say you can check out with the Ind AS, मेरे को बहुत उसमें precision नहीं है. वो जो चीजें हैं Ind AS के हिसाब से वो एडजस्टमेंट को हम इग्नोर करेंगे. Ind AS में कन्वर्जेंस के समय ये एडजस्टमेंट करना पड़ता पर मैट में ये एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे. तो मान लो Ind AS में कन्वर्जेंस का अमाउंट आया 4 करोड़, मैट में उस 4 करोड़ में से ये हटा देंगे एंड वी कैन हैव अ डिफरेंट कन्वर्जेंस अमाउंट, अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन. दीज थिंग्स विल बी इग्नोर्ड व्हाइल डूइंग द एडजस्टमेंट. अंडरस्टैंड बात उसको लॉजिकली समझ. Ind AS में क्या करते हैं, डोंट क्रिएट अ पैनिक अबाउट दैट कि उसमें क्या करते हैं. बात ये है कि मैट में क्या करते हैं, हमारा फोकस है. तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैट में हम ट्रांजिशन अमाउंट निकालेंगे मैट के कैलकुलेशन में वो ट्रांजिशन अमाउंट निकालते समय कुछ फिगर्स को हम एक्सक्लूड करें, उनका एडजस्टमेंट नहीं है जो शायद Ind AS में करते पर हम मैट में. उसमें से 2-3-4 चीजें वही है जो आप हर साल नहीं करते. जैसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप फेयर वैल्यू वैल्यूएशन का जो गेन और लॉस है उसको हर साल इग्नोर करोगे. हर साल करोगे तो कन्वर्जेंस भी इग्नोर करोगे. ठीक है, इनटैंजिबल्स का फेयर वैल्यू वैल्यूएशन हर साल इग्नोर करोगे उसका फेयर वैल्यू का डिफरेंस, तो वो इस साल भी इग्नोर करोगे कन्वर्जेंस. आप जब कन्वर्जेंस करोगे उस साल इन्वेस्टमेंट को मार्क टू मार्केट नहीं करोगे क्योंकि हर साल आप मार्क टू मार्केट नहीं करोगे. दे हैव सेड इट समथिंग्स आर सेम व्हिच यू डू एवरी ईयर कन्वर्जेंस वाले साल में भी वो चीज को आप इग्नोर करोगे. पढ़ता हूं जैसे पहला पॉइंट लिखा है, एग्रीगेट अमाउंट्स एडजस्टेड इन ओसीआई ऑन कन्वर्जेंस डे व्हिच शैल बी सब्सिक्वेंटली रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस. जो आगे जाके ऑलरेडी रीक्लासिफाई होना है प्रॉफिट में उसको फिर बी इज नोशनल. बी सी डी ई एफ ये सब चीजें नोशनल है. नोशनल गेन एंड लॉस एवरीवेयर इज. तो भले ही अकाउंटिंग कब कहता है नोशनल चीजों को कंसीडर करो, मैट में ही नोशनल चीजों को अभी भी कंसीडर नहीं करो. जैसे बी इज रीवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम कन्वर्जेंस इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 16 एंड 30. दैट इज व्हाट आई हैव सेड ऑलरेडी सेड जो नोशनल फेयर वैल्यू वैल्यूएशन है उसके गेन और लॉस. ऐसे ही सी पॉइंट दिया है, नोशनल गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जो अपन ने हर साल नहीं करेंगे वो कन्वर्जेंस के समय. ऐसे डी दिया है, एडजस्टमेंट रिलेटिव टू आइटम्स इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स ऑन कन्वर्जेंस डे रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट डीम्ड कॉस्ट. जो Ind AS 101 इज दी Ind AS फॉर कन्वर्जेंस, उसके कन्वर्जेंस में कुछ पैराग्राफ्स में जो लिखा है वो हम नहीं करेंगे. बेसिकली नोशनल एडजस्टमेंट.
and that way they have again given ES fair value valuation, that will not be. Same way foreign operations se jo convergence ke samay notional gain and loss hai, that will be. All this is about the notional gain and loss. But aage wo likha hai ki notional ko abhi ignore kar dena, but jab final real gain and loss hoga us samay ye notional ko derivative kar ya credit kar, ताकि वो न्यूट्रलाइज है जो हमने पहले ये जो भी दिया है इन ऑल फेयरनेस टू माय अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन अनलेस यू स्टडी इंड एस अनलेस यू अप्रोप्रिएटली नो इंड एस दीज एडजस्टमेंट्स हैव नो वैल्यू क्योंकि ये तभी आप रिकंसाइड कर पाओगे कि हम अकाउंट्स में देखो वैसा करेंगे और अब मैट के कैलकुलेशन जो अकाउंट्स बनाएंगे उसमें नहीं अनलेस यू रिकंसाइड इट दिस इज जस्ट अ थ्योरी Just a text which is written, that is. This is the last of the amendments which can be taken care of while studying the new subject. Ek important part of this, as a closing remark, I want to know if somebody is there who is in the new syllabus. Somebody there in the new syllabus. Who is there? Only 2% are going for the new course. Naye course mein agle saal do hi log jayenge. मैं आपको बता देता हूँ जो दो लोग आप चाहे हो आपके लिए स्पेशली बता देता हूँ कि जब आप नए कोर्स में जाओगे तो आपका जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पोर्शन 30 मार्क्स उसमें यू हैव नाउ बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैज गिवन द बुक्स दिस फ्राइडे ओनली सो इन दिस दे हैव एडेड टू चैप्टर्स फॉर यू स्पेशली टू चैप्टर्स हैव बीन एडेड And those chapters you have to be studying. So when we discuss this in class, जो आने वाले बच्चों का दिन आने वाला है, आप उसमें ये भी study करना, वो चाहिए नहीं, पर वो. Thank you very much. All the very best wishes to you. Thank you very much.